राज रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज के इस पावन श्री राम कथा के चतुर्दिवस के कथा को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान की वंदना। की शाही करूं लेखन करूं वनराज सब धरती का गज करूं पर गुरु गुण लिखा न जा। आइए हनुमंत विराजे कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरे विराजिए पवन कुमार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशत विघ्न अने बलवत्र विशाल भगवान की जय। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलो भवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बद्री केदार धाम की जय। बोलो गंगोत्री धाम की जय। बोलो जमुनोत्री धाम की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो हनुकोट देवता की जय। बोलो सिद्धेश्वर महादेव की जय। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना गौरा तेरे गणपति की बार बार वंदना गौरा तेरे गणपति की बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना गौरा तेरे गणपति के बार बार वंदना गौरा तेरे गणपति के बार बार वंदना हो सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अरे गौरा तेरे गणपति के बार बार वंदना गौरा तेरे गणपति के बार बार वंदना हो तालियों की सेवा।
सीताजी की वंदना, राम जी की वंदना, सीताजी की वंदना, राम जी की वंदना से सीताजी की वंदना, राम जी की वंदना, सीताजी की वंदना, हर सीता तेरे लव कुश के बार बार वंदना, सीता तेरे लव कुश के बार बार वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता तेरे लव कुश के बार बार वंदना, सीता तेरे लव कुश के बार बार वंदना, लक्ष्मी जी की वंदना, नारायण की 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 वंदना, फिर लक्ष्मी जी की वंदना, लक्ष्मी जी की वंदना, नारायण की वंदना, भगवान तेरे भक्तों की बार बार वंदना, भगवान तेरे भक्तों की बार बार वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, हरे राम जी के हनुमत की बार बार वंदना, राम तेरे हनुमत की बार बार वंदना, कृष्णा जी की वंदना, राधा जी की 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 वंदना, कृष्णा तेरे बांसुरी की बार बार वंदना, कृष्णा तेरे बांसुरी की बार बार वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीता राम वंदना, राधे श्याम वंदना, राम जी के हनुमान की बार बार वंदना, राम जी के हनुमान की बार बार वंदना।
सुत हनुमान जी महाराज की जय। भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेना, सभी मातृशक्ति अनुरोध है कि शांति का दान दें। वात्सल्य पुराण तो 9 दिन पश्चात भी आप लोग सभी कर सकते हैं। हम भगवान के चरणों में कुछ क्षण के लिए बैठे हैं, यहां बैठकर परमात्मा के विषय में चिंतन करें। घर गौड़ियां इन्हें वहीं रहने दें जहां है ना, अभी ज्यादा समय नहीं, 2-3 घंटे आप लोगों का यहाँ पर हम लोग लेंगे, 3-4 घंटे का समय। तो इतनी देर के लिए तो अपने घर में गाय भैंस इन सबको घर में छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए अपनी समस्याओं को पंडाल से बाहर बिल्कुल निश्चिंत होकर परमात्मा के चरणों में बैठकर, यहाँ बैठकर भी अगर हरि के चरणों में बैठकर अगर हम इस दुनियादारी के जंजाल में फंसे रहेंगे तो भजन कैसे होगा, कैसे हम पुण्य अर्जन कर सकते हैं। और ऋषियों ने कहा है कि भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेना। ऋषि मुनि कहते हैं कि जब कई जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं, जब असंख्य जन्मों के हमारे भाग्य उदय होते हैं, तब हमें परमात्मा की शरण मिलती है, तब हमें हरि की कथा मिलती है, तब हमें सत्संग मिलता है। और उस सत्संग को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम संसार की बातों में लिप्त हो जाएंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस क्षण हम यहां पर पुण्य की कमाई करने के लिए बैठे हैं। ये जो क्षण आप यहाँ पर दे रहे हैं, ये ना मेरे लिए है, ना पंडित जी के लिए है, ना ब्यास जी के लिए है, ना किसी और के लिए है, ये आपके स्वयं के लिए है। क्योंकि इस संसार में हम जब आए थे तो अपना भाग्य लेकर आए थे। परमात्मा ने हमारे भाग्य में हमें जो कुछ लिख देकर भेजा, और यहां से जब जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, अपने कर्म, अपने किए गए पुण्य कर्म, पाप कर्म। कुछ लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो मुट्ठी बंद होती है ना, क्या लेके आता है मुट्ठी में, भाग्य, अपने भाग्य लेके आता है, प्रारब्ध लेके आता है। और जब जाता है तो उस जन्म में जो कर्म किए हैं, जो पुण्य और पाप किए हैं, वो अपने साथ लेके जाता है। परमात्मा के चरणों में बैठकर हरि की चर्चा करें, इधर उधर की व्यर्थ बातें ना करें, अति उत्तम रहेगा। और भगवान शिव, जब भगवान श्री राम के दर्शन भगवान शिव ने किए, और भगवान राम ने भगवान शंकर जी से कहा कि प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ मांगिए। तो भगवान शिव भी क्या मांग रहे हैं कि बार बार वर मांगहू हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पाहिने भक्ति सदा सत्संग। भगवान शिव ने भी मांगा है कि बार बार वर मांगहू हर्ष देव श्री रंग और पद सरोज अन पाहिने, हे प्रभु अपने चरणों की भक्ति मुझे दे दो। और भक्ति किस तिजोरी में रहती है, भक्ति को रखने के लिए कौन सी तिजोरी है, सत्संग। भक्ति कहां से प्राप्त होगी, कहां रखा जाएगा, सत्संग में। तो ऐसे हमें ये सत्संग प्राप्त हुआ है इस उत्तराखंड की पावन भूमि में। देखिए भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, परमात्मा की हम पर बड़ी कृपा है। कई जन्मों के भाग्य उदय हुए, हमें यह मानुष तन मिला। और ये मानुष तन मिलने के पश्चात जन्म कहां मिला, इस उत्तराखंड पावन भूमि में। ये उत्तराखंड की पावन भूमि शिवलोक, भगवान शंकर का लोक है। कहते हैं कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है,
यहाँ का हर पुरुष भगवान शिव है और हर नारी जो है माँ पार्वती है। ऐसे शिवलोक में हमें स्थान मिला, हमारा जन्म हुआ, तो हमारा जन्म तो सार्थक हो गया, लेकिन हमें अपना कर्म भी सार्थक करना है। और कर्म सार्थक कैसे होगा? सत्संग से, भजन से, कीर्तन से, भगवान के नाम के उच्चारण से, तभी ये जन्म सार्थक हो सकता है। आज राम कथा का चतुर्थ दिवस है, क्या इस पूरे क्षेत्र में 100-150 लोग ही हैं? आप बताइए मुझे कितने लोग होंगे, लेकिन कथा में कितने पहुंचते हैं? आप लोग यहां पर बैठे हैं, कल की कथा में भी मैं देख रहा था 150-200 लोग लगभग थे, क्या इस क्षेत्र में इतने ही लोग हैं? लेकिन यहां तक कौन पहुंचता है? जिसमें उस परमात्मा की कृपा है, जिसको वो बुलाना चाहता है ना, वही यहीं तक आता है, वो बैठता है सत्संग में। हर कोई इस सत्संग में नहीं बैठ सकता जिसमें उस परमात्मा की, जिसके ऊपर उसकी कृपा है, वो इस सत्संग में बैठ सकता है। नहीं तो कितने आते हैं वहां बाहर से, बाहर हाथ जोड़े और चले गए, क्यों? क्योंकि उसकी कृपा नहीं है। जब भगवान शिव जी, शंकर जी, देवादिदेव, महादेव, माँ पार्वती को ये अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, तो माता ने प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, कलयुग में तो ये कथा बड़ी सरल हो जाएगी, जगह जगह ये कथा होने लगेगी, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में ये कथाएं होने लगेंगी, ये अमर कथा सब श्रवण करके अमर हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा, हे उमा, हे पराम्बा जगदम्बा, जब तक हरि की कृपा ना हो तब तक सत्संग नहीं प्राप्त हो सकता। जिस पर उस परमात्मा की कृपा होगी तभी उसी को यह सत्संग प्राप्त होगा, और हमारे कई जन्मों के पुण्यों के प्रताप से हमें यह सत्संग प्राप्त हुआ है। आइए इसका सदुपयोग करना है इस समय का, क्योंकि ये जो समय है, ये जो समय हमें मिला है, इस समय में बैठकर हरि का भजन। आइए पूज्य व्यास जी महाराज हमारे बीच में आए, पधार रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बलिव्यास जी महाराज की जय। बलराज रामचंद्र जी महाराज की जय। हमारी चर्चा चल रही थी सत्संग। मैं देख रहा हूं समय है, आंखों की सिकाई जरूरी है ना, कोई वहां से घुसता है तो सबकी नजरें होती हैं साथ साथ में, कहां कहां गया, क्या क्या किया है, क्योंकि ये समय का प्रभाव है। हमारी आंखें अच्छी चीजें देखने को खोजती हैं, अच्छा सुनना चाहती हैं। परमात्मा के नाम से अच्छा इस संसार में और क्या हो सकता है? हरि नाम से अच्छा, भगवान राम के नाम से अच्छा इस संसार में दूजा कोई और वस्तु नहीं है। आइए भगवान के चरणों में बैठकर थोड़ा परमात्मा का नाम का गायन करेंगे, तत्पश्चात पूज्य महाराज श्री आज के कथा प्रसंगों को आप सभी को श्रवण कराएंगे। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। क्या कहा है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। अगर हम अपने मन को अपने बस में कर लें, क्योंकि यही तो है जो हमें चारों तरफ घुमाता है। मन किया जी आज आलू के पराठे खाने हैं, मूली के पराठे खाने हैं,
मनी तो करता है, मन ने किया कि आज घूमने जाना है जी, मनी तो करता है ना, पैर तो नहीं कहते कहीं लेके चल, मन कहता है। तो मन में जो तरंगे उठती हैं, अगर उन तरंगों को हमने अपने वश में कर लिया तो वही हमारा भजन है। कवि ने कहा है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। क्या कहा कि आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, अपनी बुरी आदतों को। इस 9 दिन की कथा में हम लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर अपने जीवन में धारण करना है, तभी इस कथा का लाभ है। कथा सुनने मात्र से मुक्ति नहीं मिलती, मैंने पहले दिन के सत्संग में भी आपसे चर्चा की थी कि कथा सुनने मात्र से मुक्ति नहीं होती, कथा को सुनकर उससे जो शिक्षा हमें मिल रही है, जिसको हम अपने जीवन में सरलता से धारण कर सकते हैं उसको धारण करें। चलिए भजन तो एक छोटा सा प्रसंग, भगवान की महिमा इतनी निराली है, माया इतनी निराली है कि किसी के समझ में नहीं आती। एक पुजारी जी एक मंदिर में भगवान रामचंद्र जी की सेवा में सदैव लग्न रहते थे, भगवान की सेवा बहुत अच्छे से भगवान की सेवा किया करते थे। एक दिन पुजारी जी ने भगवान का श्रृंगार किया, अच्छे से धूप दीप नैवेद्य अर्पण किया, श्रृंगार किया, भगवान को पीताम्बर पहनाया, और पुजारी जी के मन में भाव आया कि हे प्रभु आप बड़े अच्छे हो हैं, मैं आपका श्रृंगार पटार कर देता हूँ और बैठे रहते हो आराम से, और मुझे देखो जरा कितना काम करना पड़ता है। जब पुजारी जी के मन में ये भाव आया तो भगवान को भी सूझ की आज जो है पुजारी जी से भी कुछ वार्तालाप किया जाए। भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने कहा पुजारी जी आप क्या सोचते हो कि मूर्ति बन के बैठे रहना बड़ा आसान है। भगवान पुजारी जी कहने लगे और नहीं तो क्या, बैठे रहो एक जगह आराम से, देखते रहो क्या हो रहा है क्या नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, आज का पूरा दिन मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह, शर्त एक है, बोलना कुछ नहीं है मात्र देखना है। पुजारी जी ने कहा वाह आज तो भैया भगवान की जगह बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुजारी जी ने भी कहा बिल्कुल ठीक है प्रभु, कुछ नहीं बोलूंगा सिर्फ बैठ के देखूंगा, आज आप मेरी जगह और मैं आपकी जगह। अदला बदली हो गई जी, भगवान ने पुजारी जी को पुजारी जी की आत्मा को उस मूर्ति के अंदर बिठा दिया और स्वयं पुजारी बन के उस मंदिर में बैठ गए। अब पुजारी जी का तो काम है भैया जजमानी भी करनी पड़ेगी। अब भगवान जो है जजमान जी आए, पुजारी जी घर में छोटा सा हवन करना है और आप चलिए। भगवान जो है जजमान के साथ हवन करने चले गए। अब इतने में एक सेठ मंदिर में पहुंचा और भगवान के आगे माथा टेकने लगा, प्रणाम करने लगा झुककर, तो उसके जेब से एक नोटों का बंडल निकल के गिर गया। सेठ ने देखा नहीं, सेठ ने प्रणाम किया और मुड़ के चला गया। थोड़ी देर में ही एक गरीब व्यक्ति जिसकी बेटी की शादी थी लेकिन धन पास में नहीं था, वो भगवान से प्रार्थना करने आया था कि हे प्रभु मेरे पास जो है कोई धन नहीं है, परसों मेरी बेटी का विवाह है, हे प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं। इतने में उस व्यक्ति की नजर पड़ी कि एक नोटों का बंडल पड़ा है, उसने उठाया, भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया, हे प्रभु आप बड़े दयालु हैं, हमने सुना था आप सबकी सुनते इतनी जल्दी सुनते हैं, आज पता चला। अब जो पुजारी जी बैठे हैं विग्रह के अंदर, श्री विग्रह के अंदर, वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं अरे वो बोलना तो चाहते हैं
लेकिन भगवान से वादा किए हैं कि बोलना कुछ नहीं है, मात्र देखना है। इतने में वो व्यक्ति चला गया। वो जैसे ही मंदिर से बाहर निकला तो एक नाविक जो नाव चलाता था वो आया भगवान से प्रार्थना करने। प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं नाव लेकर समंदर में दूर जा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरा परिवार आपके भरोसे है, मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना। इतने में वो सेठ जब अपने ऑफिस में पहुंचा, जाके देखा अरे पैसे तो गिर गए। कहाँ गए थे जी? मंदिर में। दो पुलिस वालों को लेके मंदिर में पहुंचा। मंदिर में जैसे ही पहुंचा तो वहां पर देखा कि वो नाविक है। उसने इधर देखा ना उधर, नाविक को पकड़ा, बोला तूने मेरे पैसे उठाए। अब जो पुजारी जी श्री विग्रह के अंदर बैठे हैं उनसे रहा नहीं गया, बोला पैसे लेके तो कोई और गया, ये निर्दोष को कैसे पकड़ा जाए, पुलिस इसको कैसे ले जाएगी। रहा नहीं गया, पुजारी जी बोल पड़े अरे रुको भैया रुको, बोला तुम्हारे पैसे ये नहीं ले गया, तुम्हारे पैसे तो वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति ले गया। अब इतने में भगवान भी पहुंचे। भगवान ने कहा हो गया सत्यानाश। अब भैया पुलिस ने उस गरीब आदमी को जिसकी बेटी की शादी थी उसे पकड़ा और जेल में डाल दिया और उस नाव वाले को छोड़ दिया। वो अपना नाव लेके समंदर में चला गया। अब भगवान ने देखा, भगवान ने कहा पुजारी जी आपने तो भैया आज सारा काम गड़बड़ कर दिया, सब बिगाड़ दिया। पुजारी जी ने कहा अरे प्रभु मैंने कैसे बिगाड़ा, मैंने तो अच्छा किया, एक निर्दोष को सजा होने से बचाया, वो तो दोषी भी नहीं था, उसने तो पैसे लिए भी नहीं थे। भगवान ने कहा कि पुजारी जी वो जो सेठ है ना, सेठ बड़ा ही कंजूस है, एक रुपए दान नहीं करता, किसी को नहीं देता, इसीलिए उसके जेब से वो पैसे यहां पर गिरे। और वो जो गरीब व्यक्ति है उसकी बेटी का विवाह उन पैसों से होना था। और वो जो नाव वाला है वो नाव चला के जो समुन्द्र में गया है, आज समुन्द्र में तूफान आएगा और वो डूब के मर जाएगा। समुन्द्र में तूफान आएगा और वो डूब के मर जाएगा। तुमने आज तीन दो दो जिंदगियां, तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी। भगवान की लीला कितनी बड़ी है। हमारे साथ जीवन में जो घटना घटित होती है, अगर आज कुछ घटना घटित हो रही है तो उसका परिणाम आज नहीं, कुछ समय बाद, कुछ अंतराल बाद हमें पता चलता है। ये भगवान की लीला है। देखो भगवान ने कितना लंबा लीला रचा हुआ है कि पूजा सेठ आएगा, पैसे गिरेंगे, वो गरीब आदमी उठाएगा, उसकी बेटी का विवाह हो जाएगा, उसके बदले वो नाविक जेल चला जाएगा तो उसकी भी जान की रक्षा हो जाएगी। तो ये परमात्मा की लीला है, ये हम और आप लोगों के समझ में आने वाली लीला नहीं है। परमात्मा बड़े ही कोमल हृदय के होते हैं। भगवान सब पर अपनी कृपा करते हैं और ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि वो हम और आप, हम बहुत छोटी बुद्धि के हैं भैया, जो इस पूरे संसार को चला रहा है क्या उसकी लीला को हम समझ सकते हैं? बड़ा ही कठिन है। तो परमात्मा की ऐसी लीलाओं का ही श्रवण आगे भी करते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु हृदि देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मजोनिर्नमस्तुते। नीलांबुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामुभागं बाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि कृष्णं
यदुवंशनाथम वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम कैशोरशोरभस्माहितयोगचित्तम हन्तुं त्रतापमुनिशनमनिहन्त दिव्यं शनमानिशालिपरिप्रीतिपरागपुञ्जं दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाभ्यनेत्रं हेमां वरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथमां भज जानकीशं ध्येयं सदा परभवाग्नि अभीष्टदोहयम् तीर्थाषधम शिव विरंचिन शरण्य प्रत्याणत्ल भवादीपोत वंदे महापुरशते शरणारविंदम मनोजिव मारुदतुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमत वरिष्ठ वातात्मज वानरज्योथ्य मुख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्तिदेव सदाशिवा त्रैरूपस्वरूपाय गुरुदत्तात्रेय नमस्तुते लोकाभिराममरणं गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये रामनगर्या राम की वश सरजुग के तीर अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय हर हर महादेव परम श्रद्धेय पातः स्वामी अनुकरणी श्री रामायण जी को नमन करते हुए भगवत कमल चरणानुरागी श्रद्धालु श्रोता बंधुओं श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृशक्ति और बंधु प्रथम महीशूर चरणा हमारा विप्र बंधु संगीतज्ञ बंधु और इस कथा का लाइव प्रसारण करने वाले पत्रकार भी हैं ये श्री अरविंद रावत जी लक्ष्मी नारायण भगवान को नमन करते हुए बड़े हर्ष के साथ परसों मैं एक कवित बोल गया था और वह कवित आज सार्थक हुआ। कल भी एक बोला कल भी उदाबूदी होने लगी थी कथा चल रहा था तभी वह पथ क्या पथिक सफलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल न हो अन्नाविक की धर्ज कुशलता क्या जो था रहे प्रतिकूल न हो। सुबह से जब वृष्टि शुरू हुई सावन का हरित प्रभात रहा अंबर पे थी घनघोर घटा लहरा कर पंख थिरकते थे मनहरती थी बनमोर छटा पर रही सुही झिन 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 पर्वत की हरी बनाली पर पी कहीं पपीहा बोल रहा तर तर की डाली डाली पर। ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी श्रद्धा भक्ति का सैलाब जो यहां पहुंच गया इस श्रद्धा भक्ति के सैलाब को नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रत्व पुनश्च हुई अपि नमो नमस्ते बारंबार नमन है। वाकई ये भक्त हैं इन्हें न नदी की धारा रोक सकती है न इंद्रदेव का प्रकोप रोक सकता है और आगे कथा मिलेगी वहां उसका दृष्टांत फिर दिया जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे की कथा
राम जय राम जय जय राम। कल आप लोगों ने कथा कहां तक श्रवण किया था, हम तो भूल गए थे कहां तक सुनाए थे। मनुष्य भूल ही जाता है, हम भी तो मनुष्य से अलग हटके कोई देवता तो नहीं हूं, मैं भी मनुष्य हूं। कल से आप कथा श्रवण कर रहे हैं नारद मोह की कथा। नारद मोह की कथा हम लोगों ने कल श्रवण किया और आज तप की कथा सुनेंगे। काहे की तप कथा सुनेंगे, तप की। तपबल विप्र सदा बरियारा, और तप चाहे कोई भी करे वही मजबूत हो जाएगा। ब्राह्मण के तो डीएनए में ही तप है। स्वयंभू मनु ओ सतरूपा, दिन से भय नर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा, यह इनसे ही यह सृष्टि हुई। स्वयंभू मनु और सतरूपा तप कर राज्य करते करते काफी जब उम्र ढल गई, कहा गया है ना चौथे पुनरुत्थान जाएं। आजकल की स्थिति ऐसी है कि चौथे पर्ण नृप कानन जाहि। कानन कहते हैं वन को, चौथे पर्ण में लोग जो है वन को जाते हैं। पहले परंपरा थी कि जैसे ही 50-60 साल की उम्र हुई कि राजा लोग अपने बेटे को राज्य दे करके हरिहित भगवान के लिए वन में चले जाते थे, भगवान का भजन करते थे। अब लोग नहीं जाते हैं। तो जानते हैं क्या होता है घर में, क्या होता है घर में, चौथे पन नृप काड़ल जाही। काड़ना कहते हैं मारना को, घर में उनका अपमान होता है। वृद्धा आश्रम में जाइए, सबसे अधिक सनातन संस्कृति के लोग ही वृद्धा आश्रम में मिलेंगे, इसलिए कि हम अपने बच्चों को धर्म ज्ञान नहीं देते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो स्वयंभू मनु और सतरूपा के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तीन पुत्रियां थी, देवहूति आकृति प्रसूति। देवहूति से भगवान कपिल का जन्म हुआ। कपिल का गृहस्थ जीवन पे थोड़ा समय प्रकाश डालना चाहता हूं। कपिल भगवान कर्दम के, देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ। ऋषि कर्दम यहां जब देवहूति आई तो उनका जो कुटिया थी उस कुटिया में कहीं सांप ने बिल बना रखा था, कहीं चूहों ने बिल बना रखा था, ऊपर चिड़ियों ने घोंसले बना रखे थे। तमाम जीवधारी उसमें रहते थे उनके कुटिया में, अपना अपना स्थान बना करके। देवहूति ने पूछा कि अरे स्वामी आप कहाँ बैठते हैं, आप कहाँ सोते हैं। तो बोले कि वो किनारे में डेढ़ बाई डेढ़ का जो आसन है ना, मैं तो वहीं अपना भगवान का ध्यान धारण कर लेता हूँ। यह कथा इसलिए करनी पड़ रही है, बड़ा दिव्य चरित्र है, मैं वहीं अपना जीवन यापन कर लेता हूँ। उनके कुटिया के नीचे एक नदी बह रही, झरना बह रहा, वहां देख रही है देवहूति कि क्या स्थिति है। बाघ, हिरण, सुअर, तमाम जीव एक साथ बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं, एक ही साथ जल पी रहे हैं। अर्थात उनके तपस्या के प्रभाव से सब में बैर द्वेष हट गया। बड़ी प्रभावित हुई देवहूति। बोले कि अच्छा मैं कुटिया की सफाई करती हूँ। एक चक्रवर्ती सम्राट की जिनसे ये सृष्टि हुई उनकी पुत्री है, और एक तपस्वी से ब्याही गई, साधु से ब्याही गई। मैं कुटिया की सफाई करती हूँ। कर्दम जी ने कहा कि ठीक है तुम कुटिया की सफाई करो, तब तक मैं थोड़ा सा भगवान का भजन ही कर लेता हूँ। भगवान का भजन करने बैठे जब कर्दम जी, तो उनकी 40 वर्ष की समाधि लग गई। बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, कोई नवविवाहता जोड़ा आया हो, कोई भी नवविवाहित जोड़ा आया हो, 40 वर्ष 40 घंटे
40 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 40 सेकंड की भी समाधि नहीं लग सकती। बोलिए जितेंद्रिय करदम जी महाराज की जय। कितने जितेंद्रिय हैं। इंद्री का सुख भोगने से मन बिगड़ता है, मन में सुख की कामना आती है, सुख भोगने की इच्छा होती है, इससे मन बिगड़ता है। तो देवहूति पुनतास कुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी उधर धरे हूं जय कपिल कृपाला, भगवान कपिल को जिसने अपने घर में रखा, सांग तत्व विचार निपुण भगवाना शास्त्र सांख्य शास्त्र दिन प्रकट प्रखाना, सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता हुए। अब आगे की कथा स्वयंभू मनु की सुनिए। अभी इस कथा को तो ज्यादा मैं सुनाऊंगा तो अपना समय भी आगे, आज भगवान का प्रकटव्य भी है। जेठ सुत राज नृप दिन्हा हरि हित आप गमन वन किन्हा। स्वयंभू मनु ने अपने बले पुत्र उत्तान पाद को राज्य दे करके और भगवान की सेवा करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए चल दिए वन को। और कहाँ गए, पहुंचे जाई धेनु मति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। धेनुमती अर्थात गोमती, लखनऊ में बहती है गोमती, नैमिषारण्य अपने हिमालय से ही निकलती है। नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे, वहां स्नान किया, ऋषि मुनियों ने राजा को देखा, रानी को देखा, जितने तीर्थ हैं उन सब तीर्थ को कराया, सब तीर्थों के दर्शन कराए। नैमिषारण्य, नैमिषारण्य भागवत कथा में आती है, शौनकादिक ऋषियों को सुत जी नैमिषारण्य में ही कथा श्रवण करा रहे हैं। कहां श्रवण करा रहे हैं, नैमिषारण्य में। तो नैमिष कहते हैं आंख के पलकों को, आंख के पलक को भी निमी कहते हैं, नैमिष से बोलते हैं। जो हमारी ये पुतलियां आंख के गिरती हैं, पड़ती हैं, आंखों को ढकती हैं, कोई चीज आता है तो अपने आप बंद हो जाती है। कितना छेती, देखिए सब तो पंजाबी का गया, कितना शीघ्रात शीघ्र यह क्रिया होती है। छेती माने जल्दी, कितनी शीघ्रात शीघ्र यह क्रिया होती है, अर्थात पलक झपकने में जहां ध्यान लग जाए उस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य है, उस वन का नाम नैमिषारण्य है। पलक झपकते ही जहां भगवान में ध्यान लग जाए, हमारा हिमालय का एरिया भी ऐसे है कि पलक झपकते ही ध्यान लग जाता है, पीछे क्या है इसका ध्यान बिसर जाता है। जिस दिन मैं यहां आया 14 तारीख को शाम के 7 बजे तक मैं यहां था ही नहीं, मेरा शरीर ही यहां पर था, लेकिन जैसे ही शाम ढल चुकी थी तभी मैं स्नान किया और सिद्धपीठ श्री लक्ष्मी नारायण को मैंने ओंकार उठाया और पिछला छूट गया, अगला दिखाई देने लगा। अर्थात यह जगह भी निमिष पलक झपकते ही ध्यान लगाने योग्य है, और ध्यान लगाएगा तो लग जाएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। दोनों पति पत्नी करहीं आहार साग फल कंदा, असुमी रही सदा सच्चिदानंदा। साग फल कंद मूल यही भोजन रूप में ले रहे हैं और सच्चिदानंद भगवान का सुमरण कर रहे हैं। द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय। ओम नमो
देवाय। द्वादशाक्षर मंत्र, ये भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है, इसका जाप करना है। आप ओम नमो का जाप करेंगे सभी लोग, ये द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करके ही शंभु, मनु और शतरूपा ने भगवान का दर्शन किया। बोलिए वत्सल भगवान। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वत्सल भगवान की जय। कुछ दिनों के बाद से केवल दूध, जल और वाय, ये तीनों के सहारे राजा रानी भगवान का भजन करने लगे। इस तरीके से भी कई सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसके बाद ठीक है, आप लोग प्रेम से थोड़ी बात कर लें, एक बात करने का इंटरवल बनाते हैं बीच में, थोड़ी देर वही इंटरवल में बात किया जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कुछ दिनों के बाद से उन्होंने वह भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके तपस्या करने लगे। कुछ दिनों के बाद से जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पी करके मात्र ऑक्सीजन पे रहने लगे। महाराज जी जरा एक मिनट शांति का दान दे, और जगह इधर जगह है, इधर आ जाइए, इधर इधर बैठ जाइए आप लोग, इधर जगह खाली है, उधर जगह नहीं हो रही तो इधर आ जाइए और शांति बनाए रखें कृपा कर। अभी सत्संग में भी मैंने आप लोगों को कहा, अभी हम भी पिकअप नहीं पकड़े हैं। ऐसे पावन क्षण में बैठकर अगर हम इधर उधर की व्यर्थ की बातों में अपना समय गंवाएंगे तो हमारा जीवन बेकार है। इस समय में बैठकर परमात्मा का ध्यान करें, राम नाम का जप करें और कथा को श्रवण करें, शांति बनाए रखें। तो कुछ दिनों के बाद से उन्होंने वायु माने सांस लेना भी बंद कर दिया। यहां समस्या होती है कि सांस तो क्या होगा, सांस न ले आदमी तो इस समय क्या होगा बाबा, किसी का नाक मुंह बंद कर दिया जाए तो कई मिनट तक वो जिंदा रहेगा। प्रश्न बनता है कि ये जिंदा कैसे रहे। मैं बता दूं, यहां थोड़ा कोशों का वर्णन मैं करता हूं। पंच कोश बताए गए हैं हमारे वेदांत ग्रंथों में, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। भक्ति की दो शाखाएं हैं, अवचिन्न तीन, अवचिन्न प्रतिबिंब तीन, ये वेदांत के मत हैं। मुख्य रूप से दो भक्ति शाखा है, एक विहंगम एक सरीसृप, आभास प्रतिबिंब अवच्छिन्न। तो जो पुरातन काल था उसमें प्राण अस्थिगत थे, प्राण
अस्थिगत थे और उम्र कितनी थी, मनुष्य की उम्र थी सतयुग में, सतयुग की बात है, सतयुग में सृष्टि हुई 1,00,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष उम्र थी। जैसे ही त्रेता आया 1 0 हटा, उम्र कितनी रह गई 10,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर आया तो 1 0 और हट गया, उम्र रह गई 1,000 वर्ष। और कलयुग आया तो 1 0 और हट गया, उम्र रह गई 100 वर्ष। तो उस समय अस्थिगत प्राण थे, प्राण अस्थि में हड्डी में छिप जाते थे और जीवधारी जीवंत रहता था, और फिर अनुकूल परिस्थिति पाने पर वह चेतन हो जाता था। वाई पीना भी इन्होंने बंद किया, तमाम देवता लोग आए और वर मांगने को कहा, लेकिन मनु और सतरूपा ने सबसे मना कर दिया, उन्हें तो पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करना था। एक दिन आकाशवाणी हुई, वर मांगो वर मांगो वर मांगो वत्स। राजा रानी की आंख खुली और भगवान को उन्होंने प्रणाम किया है, स्तुति किया है, और जैसे ही भगवान के चरणों में राजा रानी झुके हैं, झुकते ही भगवान ने अपने कर कमलों को उनके मस्तक पे फेरा है, और जैसे घर से आए थे वैसे ही हो गए, अस्थिगत हो गए थे, सूख के लकड़ी हो गए थे। वर मांगो, राजा पहले वर मांगते हैं, दानी सुरो मन कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे दान शिरोमणि पार ब्रह्म परमेश्वर, सत्य भाव से मैं कहता हूं, मेरे हृदय में खुद कोई दुराव नहीं है, तुम्हारे जैसा ही पुत्र मैं चाहता हूं। फिर रानी से कहा कि भाई तू भी वर मांग लो, तूने तपस्या किया है, तू भी वर मांग लो। अब देखिए रानी क्या वर मांगती है, कि जो गुण बड़े बड़े ऋषि मुनियों संतों में पाया जाता है, जो भक्ति ऋषि मुनियों संतों में पराशर में जाबाली में वशिष्ठ में विश्वामित्र में गौतम में, इन ऋषियों में जो भक्ति है, जो विवेक है, जो ज्ञान है, हे प्रभु आप वही हमें दीजिए, यही कृपा करके दीजिए। भगवान ने कहा यो मस्तु मात विवेक अलौकिक तोरे, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहुं न मिटहिं अनुग्रह मोरे। मेरे कृपा से आपका विवेक और भक्ति कभी नहीं मिटेगी, आगे विवेक भक्ति की चर्चा आएगी, याद रखना इस कथा को, सिद्ध करना होगा, आगे मैं सिद्ध करूंगा। आज बढ़िया ढंग से सुने होंगे तो आगे कथा में आएगी, क्योंकि यही कौशल्या बनेगी। राजा ने कहा प्रभु मैं एक बार और मांगना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मांगो। मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प जिंदा नहीं रहता है, अगर मणिधर सर्प है उसकी मणि अगर कोई छीन लेता है जैसे भी तो जिंदा नहीं रहेगा, और अगर मछली को पानी में से निकाल दिया जाए तो मछली भी जिंदा नहीं रहेगी। मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना,
मम जीवन तम तिमहि अधीना, मेरा जीवन भी है प्रभु आप पुत्र रूप में होवे तो आपके अधीन रहे, आपको आंखें से देखूं तभी तक मैं जिंदा रहूं, और जब न देखूं तो मर जाऊं। ये दशरथ जी हुए, ये कथा तो आप लोगों ने सभी सुनी होगी, मैं भी फिर सुनाऊंगा। दशरथ जी ने वर, स्वयंभू मनु ने वर मांग लिया, भगवान ने कहा यो मस्तु, भगवान ने कह दिया कि कोई चिंता करने की बात नहीं है, कुछ दिन के बाद से जाओ अपने राजधानी में निवास करो, अपने राजमहल में निवास करो, कुछ दिनों के बाद इस शरीर त्याग के बाद कौशलपुर अयोध्या के तुम राजा होगे, तब मैं हो तुम्हारा सुता, जब तुम हो अवध के राजा होगे तो मैं तुम्हारा पुत्र होकर के उपस्थित होऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, दो कड़ी भजन गा लिया जाए। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, गाइए। इसीलिए भगवान कम हो गए थे, और आ जाए तो जरा जम के बरस, इतना तो बरस की वो जा न सके, आज 9 बजे रात तक कथा हो। वाह क्या बात महाराज जी, महाराज जी कल से नहीं आएगा फिर कोई भी। नहीं कल से आएंगे तो उसका पाप इनको लगेगा ना कि कथा बीच में छोड़ दी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए जब तक माल्यार्पण हो रहा है तब तक हम व्यर्थ न बैठे, राम नाम धुन गाएं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, आप लोग भी तो गाइए। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम, आवाज नहीं आ रही। राम जय जय राम, मेरी आवाज तो पल्ले गांव तक सुनाई दे रही है ना? अच्छा मतलब मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं है, है मुझे? मैं छोटा सा माइक में बोल के खुश हो रहा हूँ, बोलिएगा। श्री राम जय राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग मौन पर धारण करें तो हम बोलना शुरू करें। विश्व प्रसिद्ध कैके देशु सत्य केतु बसौ नरेशु, सत्य केतु नाम के राजा थे, जहां भी शंका होता है उस शंका का मैं समाधान करके ही आगे बढ़ता हूं। सत्य और केतु कहते हैं सत्य को, आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं, और केतु कहते हैं पताका को, झंडा को। जिसके राज्य में सत्य का झंडा फहरा रहा हो, उनके बेटा प्रताप भान और अरिमर्दन जो हुए, ये भी बड़े प्रतापी राजा हुए, बड़े धर्मशील थे, लेकिन इनका पतन हुआ और ये दोनों राक्षस हुए हैं आगे चल करके। ये भी रावण और कुंभकर्ण बने हैं, धर्मरुचि नाम का जो इनका मंत्री था वो विभीषण बना है, कथा आगे मिलेगी। ये कथा मैं करण कर ही रहा हूँ, शुरू हो चुका है, लेकिन सत्य केतु के नाम पे, सत्य जिसके राज्य में कोलाहल पे कोलाहल सुन शस्त्रों की झनकार प्रबल, कोलाहल कम नहीं हो रहा है, चलता रहेगा सर महाराज जी, ये तो चलता रहेगा, हम डिस्टर्ब हो जाते। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्री विशाल की जय, केदारनाथ बाबा की जय, गंगोत्री मैया की जय, जमुनोत्री मैया की जय, त्रिजुगी नारायण की जय। बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की जय, बोलिए सभी बात करने वालों की जय। शांति जी।
जिन्ने हरि कथा सुनी नहीं काना असरवण रंग अही भवन समाना। देखिए अगर आप कथा नहीं सुने गए सुनेंगे तो श्रवण रंध जो है जो कान के क्षेत्र हैं अही कहते हैं सर्प के, सर्प के भवन के समान माना जाएगा। सर्प का भवन क्या है? बिल्ली तो है। तो ये अही भवन में बनाया जाए, इसे राम बनाया जाए, इस कान से सुना जाए और इस कान से क्या किया जाए? निकाल दिया जाए, नहीं ऐसा न किया जाए। इस कान से के और इसको हृदयंगम किया जाए। सत्य केतु जिसके राज्य में सत्य का झंडा फहरा रहा हो उसके राज्य में, उसके पुत्रों के राज्य में भी सत्य का झंडा फहरा रहा हो और उसके यहाँ काल केतु नाम का राक्षस मिलेगा आगे, काल का झंडा फहराने लगे तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? अरे दीपक बुझने को दीपक बुझने को जलता है, मृत्यु सदा ही जीवन के आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है, दीपक हम लोग जलाते हैं ना तो उसका पूर्णतया यह बिल्कुल ही कंपल्सरी है कि वह बुझेगा। दीपक बुझने को जलता है, मृत्यु सदा ही जीवन के आंचल में पलता है। दीप क्या यही जगत का शाश्वत नियम है, दीप क्या सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है। तो अब वो सत्य केतु के वंश का पतन होने वाला है। जरे सो बरे और बरे सो भूताने, हम आग लगती है तो आखिर आग बुझता भी तो है, कोई न बुझावे तब भी बुझता है। और ऐसा संजोग कि देखिए तमाम पहाड़ों में हम लोग आए ना, बहुत जगह आग लगी हुई थी, सारी आग इंद्रदेव ने बुझा दिया और मौसम ठंडा हो गया। उन्हें आते ही मौसम पे ही पहले कविता एक सुनाया, बोलिए वत्सल भगवान कीजिए, समय को डिस्टर्ब न करें, कथा अथाह सागर है और इस अथाह सागर में तो प्रताप भान जब राजा हुए चारों दिशाओं में राजाओं के तरफ अनेक लड़ाइयां हुई। और लड़ाई में क्या होता है, आज यूक्रेन और रूस लड़ रहा है, क्या स्थिति है यूक्रेन की? यूक्रेन के गेहूं को ही रूस ने लूट लिया और जिन देशों में भुखमरी या फिरकी देशों में उधर बेच दिया। अर्थात युद्ध कभी किसी को कुछ देता नहीं है, युद्ध कभी किसी को कुछ देता नहीं है। अर्थात जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो अनेक लड़ाइयां लड़ी गई, इन लड़ाइयों में योद्धा जो मारे गए, किसी माता के मांग का सिंदूर उजला, किसी पुत्र के पुत्री के सर से पिता का छाया गया, किसी माँ का बेटा गया, युद्ध में तो ये होता ही है, यह स्थिति हुई। यह पाप प्रताप भानु को ग्रस लिया। लोग अगर मन में सत्संकल्प आता है, अभी स्वयंभू मनु और सतरूपा ने सत्संकल्प किया, तो उसके सत्संकल्प अगर आता है तो सत्संकल्प को भगवान भी सहयोग करके पूरा करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में भोग का संकल्प आवे तो भोग के संकल्प को भगवान नहीं पूरा करते। और हमें भोग भोगने का संकल्प आता है, इससे मन बिगड़ता है। एक दिन की बात है कि राजा प्रताप भान अपने कुछ सैनिक मंत्रियों के साथ विंध्याचल के गंभीर वन में शिकार खेलने गए, बहुत से मृगों का वध किया। शिकार खेलते खेलते तमाम लोग मारे गए थे, कुछ एक राजा था उसका राज्य भी इन्होंने छीन लिया था। वह जंगल में साधु बन के रहता था,
क्या बन के रहता था? साधु। एक काल केतु नाम का राक्षस था, उसके 10 भाई थे, 10 भाइयों में मिलकर के 100 पुत्र थे, सबका प्रताप भान और अधिमर्दन ने वध कर डाला था। एक ही काल केतु बचा था, वो अभी जंगल में छिपके रहता था। अब विंध्याचल के गंभीर वन में जब शिकार खेलने गए, बहुत से मृगों को मारा, तब तक वो काल केतु जो राक्षस है वह एक सुअर का भेष धारण करके और राजा के देखिए दोहे चौपाई कम ही बोले जाएंगे, राजा के घोड़े के आगे से निकला। राजा ने घोड़े को हीण लगाई, तक तक तीर मही पचलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। तक तक के राजा ने तीर चलाया, लेकिन जमीन पे लोट पोट करके सुअर ने अपने, क्योंकि माया भी था, अपने को बचा लिया। अंत में गिर गुहा, पर्वत के कंदरा में समा गया। और राजा जो है उसके पीछे, राजा शब्द ही अभिमान का एक पर्यायवाची ही मानिए। अभी राजा पे और राजनीति करने वाले नेताओं पे एक कविता में पढ़ने ही वाला हूं, क्योंकि ये कथा ऐसी आ रही है कि उस कविता को संसारिक दुनिया के लोगों का भी यही हाल है। वो थक गए, तब तक देखे कि एक मुनि का आश्रम है, उस मुनि के आश्रम में गए, जाके मुनि को प्रणाम किया। उस मुनि ने आशीर्वाद दिया, मुनि ने कहा कि अरे तुम्हारे तो चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे सर की रेखा तो चक्रवर्ती सम्राट की लग रही है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं हूँ, राजा लोगों को, राजा को, किसी भी व्यक्ति को अनजान जगह पर अपना परिचय नहीं देना चाहिए कि मैं इतना वरिष्ठ आदमी हूँ। वरिष्ठ आदमी को तो और नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर घात हो सकता है। चक्रवर्ती सम्राट है, होशियारी किया, परिचय नहीं दिया, बोला कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। मैं बड़ा थका हुआ हूं। उन्होंने सरोवर दिखा दिया, घोड़े सहित राजा ने स्नान किया है, आचमन किया है, जलपान किया है, आकर के विश्राम किया है, रात्रि का समय है। मुनि ने तमाम तरीके का वेद उपनिषदों का उपदेश किया है। राजा को बड़ी श्रद्धा हो गई, बड़ी भक्ति जग गई, बड़ा विश्वास हो गया। देखिए भागवत में भी एक ऋषि का आता है वर्ण, भागवत में भी। कौन से ऋषि? आनंदगिरी जो परीक्षित के गले में, परीक्षित ने जिनके गले में सांप डाल दिया। और रामचरितमानस में भी ऋषि की वर्णन आती है। श्रृंगी, मैं तो तुम्हारे से पूछ रहा था, श्रृंगी ऋषि को असली ऋषि को उन्होंने नकली समझ लिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। फिर क्या हुआ? परीक्षित को अकाल मृत्यु का श्राप लग गया, श्रृंगी के पुत्र ने श्राप दे डाला। और यहाँ रामायण में कथा है, एक यह नकली है, असली नहीं है। एक नकली ऋषि को प्रताप भानु ने असली समझ बैठा। अब यहां तक हुआ कि प्रभु सब कुछ ठीक है, देखिए आकांक्षा कितनी खराब है प्रताप भानु। जरा मरण तन रहित तन राज कल्प सत हो, बुढ़ापा न आवे, मृत्यु न हो, जरा मरण से रहित हमारा शरीर हो और 100 कल्पों तक मैं राज्य करूं, राजकल्प सत हो। जबकि ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। अभी मैंने कभी पढ़ा, दीपक बुझने को जलता है, जो आया है सो जाएगा, गीता कहती है न जायते मृत्य वा कदाचित नयम भविता वा न हुआ। यह मृत लोक है, यहाँ जो आया है उसे जाना पड़ेगा। लेकिन
कितनी बड़ी इच्छा रखी जा रही है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो, पुत्र हो, पौत्र हो, सब कुछ हो और 100 कल्पों तक हमारा राज्य हो जाए। एक नेता जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, रात या कभी यहाँ जो है हम लोग बैठे थे तो याद आया था, सबकी दशा वही है, संसार भगवान से यही मांगता है। चलिए हम लोग भी हाथ जोड़ के मांगते हैं, मांगोगे ना? हे प्रभो आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। लेकिन नहीं, ज्ञान तो मांगते ही नहीं। हे प्रभो आनंद दाता, नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी का और अपना ओट हमको दीजिए। प्रताप भानु यही कर रहे हैं ना, डेमोक्रेट है, केवल नोट से भी काम नहीं चलेगा, वोट भी देना पड़ेगा। लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए, बुद्धि ऐसी शुद्धि कर दो, एक का ढाई करें, जोड़ के मर जाए लाखों, खर्च न पाई करें, भक्ति से अनुरक्ति दो, भोजन भजन में शक्ति दो, और दो दो शेर रबड़ी, प्रबल पाचन शक्ति दो। दुनिया भगवान से यही मांगती है, ऐसे ही प्रार्थना करती है। प्रताप भान भी ऐसे ही मांग रहे हैं। यह जो हमारी चाह है हमारे विनाश का कारण बन जाती है, हमारी वासना जो है हमारे विनाश का कारण बन जाती है, मनुष्य जीवन को खराब कर देती है। चाह आने से आने में आने लगी, आप लोगों का समर्थन मैं चाहूंगा इस कविता के ऊपर। चाह आने से आने में आने लगी, चाह आने से पैसा बनाने लगी, चाह आने से आने में आने लगी, चाह आने से पैसा बनाने लगी, चाह पैसे से रुपया भुनाने लगी, चाह रुपए से बंगला बनाने लगी, चाह बंगले में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया, चाह जड़ से लगा जी जरा हो गया। अगर हम लोग सांसारिक वस्तुओं से चाह लगाएंगे तो हमारा दिल जो है जरा ही हो जाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, जठरे सैनम के प्रक्रिया में चले जाएंगे। भगवान ने कृपा कर कबहु करि करुणा नर देही, अदेत इस बिनु हेत स्नेही। कभी जो कृपा करके ये मानव शरीर मिला है यह फिर न मिलेगा। मानुष जन्म अमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। इतने ही साडे को याद है, इतना ही सुन के गुन लीजिए, उद्धार हो जाएगा। मानुष जन अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब जो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जाया कर
प्रभु के गाया करो, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के वंदे गीत प्रभु के गाया कर, सांझ सवेरे बैठ के वंदे गीत प्रभु के गाया कर, कहीं लगता कुछ बोल रे माटी में ना रोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, और उस जने अनमोल रे माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, तुमको हीरा दिया मैंने मानुष जन्म, तुमको हीरा दिया जद तुम बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया जद तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, अन्न दुग्धा दिखाने को सब कुछ दिया मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, तू निर्दय हो जीव को सताने लगा, तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया यदि तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, यदि तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया यदि तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया यदि समझ में न आए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया यदि तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि आजा तू मेरी शरण पर यदि तू ही न आए तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया यदि तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं, जरा मरण दुख रहित तन राजकल्प सत हो, ये कामना ये सांसारिक भौतिक कामना है, तो भौतिक जब हम कामना करेंगे तो विनाश होगा ही, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सिल्ली राजा प्रताप भान ने उससे पूछा कि हे प्रभु, इतना विश्वास हो गया कि अपना परिचय देने लगे, बोले कि मैं जानता हूं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने ज्ञान रूपी चक्षु से मैं देख लिया था कि तुम राजा प्रताप भान हो, तुम्हारे पिता सत्यकेतु हैं, अरे तुम्हारा तो बड़ा ही और विश्वास बढ़ा, कल देखे ना कल के कथा में सकल कल, सकल कला करी कोट विधिहारं सेन समेत, सारी कला करके जब नारद जी की समाधि नहीं टूटी चरणों में गिर गया समाधि टूट गई, अब तो राजा की प्रशंसा कर दिया, राजा की और श्रद्धा बढ़ी, राजा ने कहा कि ऐसा है कि प्रभु हमारी एक इच्छा है कि आपका परिचय क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम एक तनु है, बोले कि भाई नाम का अर्थ बतलाइए, अब तो जब से ये सृष्टि उपजी तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया,
बोले कि धन्य धन्य हमारे भाग कि शिकार के चलते मैं जंगल में भटक गया और आपके दर्शन हुए। ये चारों करतल वेद तत्व सब तोरे, हे प्रभु वेद के जितने तत्व हैं हे ऋषि वो आपके करतल हैं, आपके कर में हैं, आपके मनो मस्तिष्क में हैं, आपको नमो नमस्ते से दोबारा हम नमस्कार करते हैं। कथा समझ में आ रही है? कम से कम हाथी उठा लिया खाली ये आ रही है समझ में, थोड़े लोगों ने उठाया, थोड़े लोगों के समझ में आ रही है, इतना ही बहुत है। घड़ी यादों घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। जितने लोग हाथ उठाए अगर उतने लोगों का उद्धार हो जाए तो हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो कि देखो 70 योजन तुम्हारा नगर है, अब रात्रि विश्राम करो, सुबह जाना। अब चर्चा होने लगी, तमाम वेद पुराण उपनिषदों की बातें सुनाया, राजा को और विश्वास जगा। राजा ने कहा कि ओ हमें तो पार ब्रह्म परमेश्वर के ही दर्शन हो गए। उन्होंने कहा अपनी वही राजकल्प सत हो, इसका कोई व्यवस्था करे जरा मरण दुख रहित तन। बोले कि देखो तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से बचाने की हमारी शक्ति नहीं है। तप बल विप्र सदा परियारा, ब्राह्मण को बस में करने का उपाय करो। बोले कि मैं क्या उपाय करूं? आपके तो हाथ में सारे वेद तत्व हैं, सारे ग्रंथ हैं, सारी व्यवस्था है, आप सिद्ध पुरुष हो, आप कहो। बोले कि तो असमंजस बन गया, जब से मैं जन्म लिया किसी के गृह ग्राम नहीं गया, किसी के घर नहीं गया। यदि मैं रसोई करूं, यदि मैं रसोई करूं और ब्राह्मण भोजन करें तो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। राजा तुरंत चरणों में लौट गया कि अरे बाबा भक्त के हित कुछ के लिए, बताइए कितना बड़ा लोभ पाल रखा है। लोभ पाप का मूल है, जो जन्म लिया हो मरेगा अवश्य। बोले कि आज तो असमंजस बन गया, अब तुम्हारे लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखिए इस भेष में मैं आऊंगा नहीं, तुम सो जाओ, तुम्हारे घोड़े सहित तुम्हारे महल में हम पहुंचा देंगे अपने जोग बल से। रात्रि में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम अब आराम करो और आज के चौथे दिवस मैं तुमसे मिलूंगा। और तुम्हारे जो पुरोहित ब्राह्मण हैं ना पंडित जी, जो तुम्हारे घर पूजन पाठ कराते हैं, तुम्हारे जो राज पुरोहित हैं, उनका हरण करके लाके मैं यहां रखूंगा। और तुम्हारे उपरोहित का भेष बना करके आऊंगा और तुम्हारे यहां मैं अपने हाथों से जवनार भोजन बनाऊंगा। और देखो चार कान सुन रहा है, दो हमारा दो तुम्हारा, अगर छठे कान में ये बात चली गई ना तो तुरंत ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। राजा इतना विश्वास श्रद्धा के अधीन थे कि राजा तो दौड़े थे, श्रमित हो गए, बहुत गाढ़ी नींद आई, काल केतु राक्षस आया और काल केतु राक्षस ने माया के बल से राजा को माया निद्रा में सुलाया, घोड़े को सुलाया और राजा को ले जा करके एकदम राजा के महल में रानी के पास शयन करा दिया। सुबह उठे विश्वास श्रद्धा भक्ति और बढ़ गई और उनके उपरोहित को हरण करके काल केतु ले गया। चौथे दिवस पहुंच गया एक तनमुनि और बोल दिया था कि एक साल का संकल्प करना और रोज 1,00,000 ब्राह्मणों को क्या करना, भोजन के लिए आमंत्रित करना। ब्राह्मण लोग हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, भोजन करेंगे और मेरी बनाई हुई रसोई जैसे खाएंगे, सभी लोग तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, फिर तो तुम्हारा राजकल्प सत हो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। पहुंच गया, राजा को अलग ले जाके बतलाया, राजा ने अपना निमंत्रण भेजवा दिया और उसने
रसोई बनाई विभद मृगन कर आमिष राधा अतन महा विप्रमांस खालु साधा। प्रश्न बनता है यहां पर, क्या सतयुग के ब्राह्मण मांस खाते थे? विविध मिगन कर रामिस राधा तिरमह विप्र मांस खल साधा, रसोई बनी मांस की। प्रश्न तो बनता है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के आने से पहले ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं मानस शंका समाधान खोल रखा था, है पुस्तक। किसी को कहीं पर भी मानस से शंका होती है तो उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। मैंने इस कथा को जरा बढ़िया ढंग से कह सकूं इसलिए रिहर्सल कर रहा था, कथा तो मेरे को मालूम था। माया मैं तिन किन्न रसोई, रसोई माया मैं थी, स्पष्ट वर्णन है, आगे भविष्यवाणी में आ जाएगा। रसोई मांस की ही बनी थी, उसमें विप्र मांस ब्राह्मण उनके राज पुरोहित को हरण जो करके ले गया, कर दिया था काम, उसी में उनका मांस भी मिला दिया। विविध मृगन कर तमाम मृगों का जानवरों का ही मांस बना था, उसमें विप्र मांस भी मिला दिया गया था। ब्राह्मण तो सदा से, हमारा भारत का ब्राह्मण सदा से सात्विक रहा है, सदा से सात्विक इसका भोजन रहा है, दही दूध घी ही भोजन करता रहा है, वेद उपनिषदों का रिसर्च करता रहा है, अहिंसा परमो धर्म जतो धर्म ततो जय इस सिद्धांत का पालन करता रहा है। लेकिन रसोई मांस की बनी थी, लेकिन वो माया के बल से वो रसोई अन्न ही दिखता था, रोटी चावल दाल यही दिख रहा था, माया में रसोई थी। स्पष्ट लिखा हुआ है, नीचे मैं नहीं देख रहा हूं, माया में तन किन्ने रसोई। ब्राह्मण लोग बैठे भोजन करने के लिए, और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, राजा ने परोसना शुरू किया कि आकाश बाणी हुई, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रसन्न जब ही लगे महिपाला, भय आकाश वाणी तहीं काला। जैसे ही राजा ने परोसना शुरू किया भोजन, आकाशवाणी हो गई, विप्रबिंद उठ उठ गृह जाऊं, है बड़ा हानि अन्न जन खाऊं। सिद्ध हो गया ये रसोई अन्न, इस अन्न को खाओ मत, बड़ी हानि है इसे। भय हो रसोई, सिद्ध हो गया ना पंडित जी, भय रसोई भूसुर मासू, इस धरती के भूसुर ब्राह्मण को कहते हैं ये रसोई, इस अन्न में नहीं है, ये मांस है, यहां अन्न का जिक्र है। अगर मांस ही होता तो आकाशवाणी क्या कहती, विप्रबिंद उठ उठ गृह जाऊं, है बड़ी हान मांस जनि खाऊं, लेकिन यहां अन्न का जिक्र है, अर्थात तो माया में रसोई थी। हमारा ब्राह्मण सात्विक रहा है, कलयुग में तो कुछ कह नहीं सकते, कलयुग के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। बोलिए भक्त, ज्यादा इससे आगे नहीं कहेंगे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्ने विचार, हो ही निसाचर जाय तुम मूढ़ सहित परिवार। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया,
वृथा न जाहि देवरी शिवारी। हो ही निशाचर जाए तुम अपने परिवार सहित जाकर के निशाचर हो जाओ, राक्षस हो गए। तुरंत फिर दूसरी आकाशवाणी हुई कि इसमें विष राजा का कोई दोष नहीं है। हे ब्राह्मणों, आपने विचार के श्राप नहीं दिया। राजा दौड़ करके वहां गए जहां रसोई बन रही थी, वहां तो रसोई भी नहीं थी या ना, वो सुआरा भोजन बनाने वाला, सूप सुवारा, रसोइये का एक नाम जो है शास्त्रों में सूप सुवारा भी कहा गया। तो न तो वहां ब्राह्मण और न वहां कोई भोजन। राजा ने आकर के सारी बात बतलाई। ब्राह्मणों ने कहा कि अब तो श्राप लग गया, लेकिन जाओ तुम ऐसे बड़े धनाढ्य, बड़े धनवान राजा होगे, बड़े बलशाली राजा होगे, निशाचर तो होगे, बड़े बलशाली होगे, और तुम्हारा उद्धार भी होएगा। इस समय तो पतन हो गया, हमारे श्राप से तुम्हारा पतन हुआ, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा उद्धार होएगा, और तुम्हें उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार होगा, वही प्रताप भानु कुंभकर्ण, रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, धर्मरुचि नाम का जो उनका मंत्री था वो विमाता का पुत्र विभीषण हुआ, जो विष्णु भक्त हुआ है, विभीषण हुए। तीनों भाइयों ने घनघोर तप किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हो जाए भजन। दो सब दो का दास रे जोगी, दो सब दो का दास रे जोगी, दो सब दो जोगी, दो सब दो का
राक्षस तप करते ही हैं। आम व्यक्ति से ज्यादा राक्षस तप करते हैं। आज भी देख लीजिए, सुबह शाम हम लोग भगवान की अगर आरती ज्योत कर लेते हैं और प्राणायाम संध्या कर लेते हैं, पवित्रीकरण आचमन शिखाबंधन प्राणायाम अघमर्षण न्यास ये अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमने समझते हैं कि बहुत कुछ हमने कर लिया। लेकिन आज भी जो राक्षसी धर्म वाले लोग हैं पांच पांच वक्त पूजा करते हैं। अब आप लोग समझिए कि मैं कहाँ फेंक रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं व्यासपीठ से नहीं कह सकता। अकेले में अगर कोई मिले तो भाई इससे बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ, क्योंकि कोई अगर रिकॉर्ड कर रहा हो ना तो देहरादून पहुँचने से पहले पहले हमारे हाथ में कोई सामान न पकड़ा दे, इतना रहेगा तो मैंने किधर कहा क्या कहा मैं निकल जाऊंगा। ऐसे अमन सम्मन से तो मैं अपने जीवन में डरा ही नहीं, बहुत बार सम्मन हुआ, बहुत बार कृष्ण जन्मभूमि गौरक्षा में गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। शिव जी कह रहे हैं, हे पार्वती मैं ब्रह्मा मिलकर के वर देने गए। रावण से पूछे, अरे पुत्र वर मांगो। क्या मांगो? वर मांगो। तो रावण ने क्या वर मांगा है? हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के मारने से मरे नहीं, किसी के मारने से न मरे। ब्रह्मा जी ने शिव जी की तरफ देखा, इसीलिए ब्रह्मा जी वर देने ले गए ना, तो संघार के देवता शंकर जी भी साथ में। भाई ये निपटे क्या, पता कौन कैसा वर मांगे, इनका विषय, ये जगत का शाश्वत नियम है। दीप या सूरज भी ढलता है, दीपक बुझने को जलता है, यह तो शाश्वत नियम के विरुद्ध मांग रहा है। शिव जी ने कहा देखो ऐसा नहीं होगा, ऐसा वर के लिए हम यो मस्तु कर ही नहीं सकते। हाँ ये तुम कह सकते हो कि हम किसके किसके हाथ से मरे, इस तरीके का वर तो हम दे सकते हैं। तो उसने कहा बानर मनुज जात दुई बारे, बानर और मनुष्य के हाथ से मर जाऊं कोई बात नहीं। बोले यो मस्तु कोई बात नहीं, थोड़ा सा रास्ता तो निकल गया। उसके बाद से वो उसके पास गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण बोले पुत्र वर मांग। कुंभकर्ण जब देखे तो ब्रह्मा जी और शंकर जी ने विचार किया, ये अगर दिन प्रति ये आहार करे तो देश दुनिया को ही चौपट कर देगा। ब्रह्मा जी ने तुरंत शारदा को आवाहन किया है और सरस्वती मैया उसके जीवा पे बैठी हैं और 6 मास सोने का और 1 दिन जगने का वर ले लिया। एवं मस्तु कथा गए विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र वर्मा ते ही मांगे हूं भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण से जब वर मांगने को हुआ तो विभीषण ने कहा कि प्रभु के चरण कमलों की हमें अनन्य भक्ति मिले। ब्रह्मा ने शिव जी की तरफ देखा, शिव जी ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, दोनों बड़े प्रफुल्लित और खुश हुए। यह धर्म रुचि है जो प्रताप भानु का मंत्री था। तथास्तु, कम से कम एक राक्षस कुल में एक भक्त तो हो। अब सुनिए, अनेक जगह अनेक तरीके की कथा भजनों में आती है। अभी मैं तत्वार्थ रामायण पढ़ रहा था, लंका से कोट समुद्र सिखाई। तत्वार्थ रामायण में हमें मिला कि जो लंका नगरी है विधि निर्मित नगरी है। रावण का जन्म कहां हुआ था?
कोई जानता है? यहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर ही दूर रावण का जन्म हुआ था, गाजियाबाद जिले के, गाजियाबाद जिले में विशेषरवा गांव है। रावण के पिता का नाम विशेषरवा था। विशेषरवा गांव है, मंदिर है, संयोग से उस गांव में भी मैं कथा सुना आया। संयोग के उस एरिया में अपनी एक कुटिया है ना बुलंदशहर में, गंगा जी के इसी गंगा जी के किनारे, तो उस एरिया में कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ निमंत्रण आता है, अगर हम अपने कुटी पे हैं तो जाना पड़ता है। सभी लोग जानते हैं कि महाराज श्री वक्ता हैं तो बुलाते भी हैं। यह सारी घटना लंका में नहीं घटी, भारत में ही घटी। तो उसमें मिला था कि विधि निर्मित नगरी है लंका, और भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ नगरी है। हो सकता है कथाएं भी मिलती है कि शंकर जी ने पार्वती जी के लिए नगरी बसाई, बनाई लंका। यह भी लोग भजनों में गाते हैं, अन्य रामायणों में मिलती है। तो हो सकता है शंकर जी के आदेश से ब्रह्मा जी के देख रेख में विश्वकर्मा ने बनाया। जो भी बात है, दोनों ही बात एक्सेप्ट करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य। उसे कहीं से पता लगा रावण को, रावण अपने पूरा कुटुंबी हुआ था राक्षस, अपने राक्षसों को लेकर के गढ़ को छेक लिया। वहां जो है कुबेर के यक्ष, 1 करोड़ यक्ष रहते थे। जब गढ़ छेका, तगड़ी जलाई हुई, यक्ष जीव ले गए पराई, यक्ष वहां से भाग खड़े हुए। सबको उचित बांट गृह दिन्हे सुखी सकल रजनीचर कीने। सभी निशाचरों को उसने जो है घर बांट के जो जैसा था उसके लायक घर दे दिया। जो बड़े सोने इत्यादि के बड़े अच्छे अच्छे महल थे वो अपने कब्जे में लिया। रावण ने अपनी राजधानी लंका बनाई। फिर क्या कर रहा है, इस कथा को भी गद्य के माध्यम से ही श्रवण करें। घोर अनीति हो रही है। जितने भी धार्मिक कर्म, कहीं कथा हो रही है, पूजा हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसको बंद करा दे रहा है। तेहीं बहुविधि त्रास सही देश निखास सही जो कह वेद पुराना। कहीं महिष मानुष धेनु खर खल अजन साचर भक्त सही ना ना जा खारन भिरन बहुविधि एक एक न तर जही। अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। कौन अगन से तेज है, कौन भूमि से भारी। अग्नि से तेज क्या है? क्रोध। क्रोध अग्नि से तेज है। और पाप भूमि से भारी है। आज जल से पतला कौन है? जल से पतला है ज्ञान। आ काजल से काला क्या है, आप लोग बताइए जरा। कलंका काजल तो हम जा रहे हैं, अभी स्लिप करके गिर जाए, कीचड़ लग जाएगा, कुर्ता दोबारा धोल जाएगा। कोई भी माँ बहन बेटी कहेगी लाइए महाराज जी मैं धो देती हूँ, बड़ा चोट लगा तो लाए डस्टबिन बोल देते हैं, धुल जाएगा, कल फ्रेश हो जाएगा, फिर वो पहन लेंगे। वो कलंक मिट गया जो कालिक लगा, कुछ भी लगा तो। लेकिन अगर कलंक लग गया तो नहीं मिटता है। क्रोध अगन से ज्ञान, जल से पतला ज्ञान है।
जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से कारी। तो कलंक जो है काजल से काला है। तो धरती पर जब बहुत पाप बढ़ गया कुसुम कुमुख पंगल कुलिसरत धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। ये सब योद्धाओं के नाम हैं, ये सब रावण के योद्धा हैं। रावण का पुत्र है मेघनाथ, मैदानों की पुत्री, मैदानों ने अपनी पुत्री ला करके, ओ जैसे देवताओं का मिस्त्री राजमिस्त्री कौन है विश्वकर्मा जी, और देवताओं का राजमिस्त्री कौन है मैदानों, मैदानों की पुत्री मंदोदरी को ला करके स्वयं ही रावण को दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण की पत्नी बनी। तमाम नाग कन्याओं को जबरदस्ती बलात् हरण करके सब राक्षसों को ब्याह दिया, अपने भाई पुत्रों को ब्याह दिया। सुलोचना नाग कन्या थी जो मेघनाथ की पत्नी हुई। देवता दिन रात स्वर्गपुरी में मेघनाथ के डर से परायण होने लगा। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनहि दस सीसा, आपन उठ धावहीं आपन उठ धावहीं रहै न पावहीं धर सब घालहीं खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनहि नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराना। मेरी भी दशा अगर रावण का राज होता तो यही है, यही होता। कैसे वेद पुराण बैठ करके यहां मंदिर में कर रहे हो, गो एंड गॉन जाओ यहां से। ऐसी स्थिति हो गई कि कुछ भी रावण ने कह दिया कहीं कुछ होने मत दो, क्योंकि जो हम भक्ति करते हैं श्रद्ध होम करते हैं तर्पण करते हैं यज्ञ करते हैं स्तुति करते हैं इससे देवताओं को शक्ति मिलती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले यज्ञ को उत्पन्न किया, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यहां भी आज यज्ञ करेंगे, उधर तो हो रहा है यहां भी करेंगे, स्वाहा स्वाहा उधर कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। यज्ञ को उत्पन्न किया और मनुष्यों से कहा कि हे मनुष्यों इस यज्ञ के माध्यम से तुम लोग देवताओं को हृष्ट पुष्ट करते रहना, और देवता जब प्रसन्न होंगे तो इस धरती पर समानांतर रूप से न कम न ज्यादा, इसको समानांतर बोलते हैं, समानांतर रूप से वृष्टि होती रहेगी और वृष्टि से अन्न होगा और अन्न अन्नम प्राणागत अन्न प्राण है, तो देवता तुम्हें समृद्ध करते रहेंगे, तुम देवताओं को समृद्ध करते रहना। रावण तो विद्वान था, बहुत विद्या पढ़ा था, उसने कहा कि देवताओं को कमजोर करना है तो इस क्रिया को ही बंद कर दो। सारी क्रियाएं बंद करा दी, अत्याचार होने लगा, कहीं महिष मानु धेन खरज खल निशाचर भक्त सही। अब जो है कैसे होगा वो हम ही करेंगे। तो पृथ्वी जो है कहां गई, पृथ्वी
माता जो है ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि पाप भूमि से भारी, पृथ्वी पर सब कुछ बर्दाश्त होता है, लेकिन अगर पृथ्वी पर पाप होने लगता है तो यह पृथ्वी बर्दाश्त नहीं करती। 2013 की आपदा, 2013 में आपदा आई थी ना 16 जून को, 2013 की आपदा भी हमारे देशी विदेशी उत्तराखंड वासियों का इसमें दोष नहीं है, तो बड़े नेम धर्म व्रत से रहने वाले लोग, श्रद्धा का सैलाब तभी तो उमड़ता है इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी। हमारे देवभूमि उत्तराखंड को अपवित्र करने में इस आपदा में बाहर के लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि यह हमारा केदारनाथ, यह हमारा बद्रीनाथ, ज्यादा खोल के मैं तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि बड़ी गरिमामय पीठ है ये, और बहुत गरिमा आप लोगों ने दिया है कि इस पीठ पर हमें बैठाया है, तो आप लोग संगत हैं, संगत माँ के बराबर होती है, लेकिन बाहर से आने वाले लोग, नवजुवक और नवजुवतियां, इन हमारे धर्मस्थलों को अय्याशी का सेंटर बना रखे थे, अब डर रहे हैं वो भी, इतना ही बहुत। तो आपदा आई और जो के साथ हम उत्तराखंड वासी भी पीछे गए। जिस समय आपदा आई 13 जून को, मैं केदारनाथ में था, हम दो साधु थे, हम लोगों ने योजना बनाई थी कि केदारनाथ में हम लोग 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करेंगे और 16 तारीख से अनुष्ठान शुरू करेंगे। 13 को 2 बजे तक तो हम लोग वहीं थे, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम साइड भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर में थे। तब तक जो हमारे मित्र महंत थे, बहुत बड़े विद्वान मीमांसक हैं, राम सुखदास जी वेदांती माउंट आबू रघुनाथ मंदिर के महंत हैं, उनके आश्रम से फोन आया कि आश्रम पे कुछ गड़बड़ है, महाराज यथाशीघ्र पधारिए। हुआ कि भाई, उन्होंने कहा कि हमसे कि स्वामी जी अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमारे आश्रम पे मठ पे कुछ बवाल हो गया है, हमें तो जाना पड़ेगा। बोले कि आप चलेंगे तो हम अकेले थोड़े रहेंगे, हम भी चलेंगे। तो 13 तारीख को ही हम लोग गौरी कुंड आ गए और 14 को हम लोग हरिद्वार पहुंच गए, नहीं तो हम भी खर्चे में ही थे। तो जो के साथ घुन भी पीछा गया, यह सब पाप की बातें हो रही हैं। पाप धरती से बर्दाश्त नहीं होता, धरती ने गौ माता का भेष धारण किया है और ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं में तो उनके इंद्र के मेघनाथ के दर से इंद्रासन में तो बराबर ही पलायन होता था। हरिओम, बराबर ही पलायन होता था। देवता लोग भी गए हैं, आइए हम लोग देवता, देवताओं की और पृथ्वी सभी लोग। ब्रह्मा जी ने कहा है कि मेरा कुछ सहाय नहीं है, इसमें वैकुंठ में चल करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो सभी देवता अब ओहर आए कि भगवान को पामे कहां, भगवान चले क्षीर सागर चले, वैकुंठ चले, पैसागर चले, शंकर जी भी उस सभा में कहीं से अपना नटिया लेके उपस्थित हो गए। अपने जिसकी जैसी भक्ति है वैसे वो बतला रहा है, ईसा वास निदम सर्व यथ किंचित जगत त्याम जगत इस धन आवास। भगवान का आवास क्या है, यह पूरा ईसा वास निदम सर्व, यह पूरा संसार ही भगवान का निवास है। भगवान तो हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमते प्रगट हो ही मैं जाना, कहूं जो कहां जहां प्रभु नाही। शंकर जी ने कहा
कि कहो कहां पर प्रभु नहीं है। प्रभु तो सर्वत्र है। तदेजत वह चलता है, तनेजत वह नहीं चलता। तद्दूरे वह दूर है, तद अंत के वह बड़ा समीप है। तदंतरस्य वह शब के अंदर भी है। तदु सर्व से असवराहितः वह सबके बाहर भी है। वो तो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, प्रेम से प्रकट होता है। सभी देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। चलिए हम लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं। जय 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 सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को द्विज हितकारी जय ससुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद करनी मरण जाए कोई जो सहज कृपाला दीन दया अला करहुँ अनुग्रह सोई जय जय श्री राम जय श्री राम जय 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 श्री राम जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा अविगत गोद गम तम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा जेहि लागि विरागि अति अनुरागि विगति मोहि मुनि वृंदा निसिवा सरदा वहि गुनि गन गवहि जतहि सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय त्रिविधि बनाय संग साहि न दूजा सो करहु अगाए चित हमारी जानी है भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन गंजन गंजन विपति बरु था मनक मन वचन क्रम वाणी छाड़े ज्ञानी मरल सकल रस धाम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति किया तो भगवान के तरफ से आकाशवाणी हुई। मट दर्पह मुनि सिद्धि सुरेशा तुम ही लागे धरी हौ नरवेशा कश्यप अदिति महातप किन्हा तिनके मैं पूरब वरदिन्हा मनुष्य रूपा महातप किन्हा तिनके मैं पूरब वरदिन्हा ते दशरथ कौ शल्य रूपा ते दशरथ कौ शल्य रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी में वही कश्यप अदिति स्वयंभू मनु शत्रुपा यह कल्प कल्प की कई का नाम रखे लेकिन कल्प भेद है। किसी कल्प में कश्यप अदिति ने तप करके वो कौशल्या और दशरथ बने थे और किसी कल्प में स्वयंभू मनु और शत्रुपा तप करके कौशल्या और दशरथ बने थे। कल्प भेद है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि संगाए। कल्प भेद में अनेक तरीके से भगवान की कथा गाई गई है। हरि अनंत है तो भगवान की कथा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता गावें सुनहि पुराण श्रुति संता। भगवान जो अनंत होता है उसकी कथा भी अनंत होती है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रेम है तो अनंत अभिज्ञात बुद्धि से परे। लेकिन वही बुद्धि जब प्रेम रूपी चाशनी में
चस करके प्रेम रूपी चाशनी में चस करके अर्थात प्रेम का शरबत जब वो बुद्धि पी लेती है तो बुद्धि से परे जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वह विवेकमयी बुद्धि के बल से उस परमेश्वर की अनुभूति भी हो जाती है। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद भेद सुभेद बतावे ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाश नचावे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। लेकिन वही गोपियां छछिया कहते हैं नदिया, नदिया के दही और मक्खन पे कहती हैं कि मक्खन तब दुगी थोड़ा एक कन्हैया नाच के दिखला दे, भगवान ठुमुक ठुमुक नाचते हैं। यह प्रेम के अधीन है, प्रेम के अधीन होकर के भगवान पुत्र बन जाते हैं। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा अजान ले हूं जो जाना निहारा, इसी चौपाई के ऊपर पूरी रामायण लिखी गई है। भगवान को प्रेम प्रिय है। नारद जी भगवान से प्रेम करते थे, जब तक आध्यात्मिक कामना रही तब भी भगवान को याद किया, और भौतिक कामना शादी करने की इच्छा हुई तब भी उन्होंने भगवान को याद किया, और मनुष्य रूपा ने भगवान से प्रेम किया। सबको मैं देख रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी नजर कमजोर नहीं है, ऐसे 7 नंबर का शीशा है, ये दाहिना शीशा 7 नंबर का है, कांच तगड़ा है, अगर नजर कमजोर भी है लेकिन फिर भी तगड़ा कांच है ना, ये दाहिना दिख रहा है ना, कौन क्या कर रहा है, जो मर्जी कर लो, हमको अगर नहीं भी दिखाई देगा ना तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है ना उसकी नेत्र से कोई बच नहीं सकता है। एक मुल्ला जी थे, रोजा का महीना चल रहा था, चलो ये तो गलती कर गए, कोई गलती नहीं की, यहाँ कोई नहीं है, तो रोजा का महीना चल रहा था, रोजा में पानी नहीं पीते हैं, जैसे हम लोगों की निर्जला एकादशी आती है तो क्या करते थे कि गंगा जी में नहाने जाते थे और डुबकी लगाते थे और अंदर एक खूब घुट घुट आते थे, पानी पी लेते थे, कहते थे ऐसा चोरी करते हैं कि अल्लाह भी नहीं जानता है, ऐसा चोरी करते हैं कि अल्लाह भी नहीं जानता है। अब अल्लाह के नजरों से भला कोई बच सकता है? आदम को खुदा न कहा, आदम खुदा नहीं, मतलब आदम के हर चेहरे से खुदा का नूर भी जुदा है, हर चेहरे में खुदा का नूर है। अब एक दिन जो रोजा जो रह रहे थे वो डुबकी लगाया ना आने के लिए, अंदर जब पानी पीने लगे तो एक छोटी मछली नहीं होती है, दोनों साइड उसके कांटे होते हो, गले में ही फंस गया। तो देखिए अगर हम नहीं, हमारे नेत्रों से अगर बच भी गए तो भगवान के नेत्रों से न हम बचने वाले हैं न आप बचने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर कहाँ कथा हो रही थी अब बता दें, अब तो आप लोग हमें वो लाइन लेंथ बिगाड़ दिए थे ना, हम तो भूल गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सभी लोग चले गए, ब्रह्मा जी ने सबको उपदेश किया है कि हे देवताओं इस धरती पर जाकर के तुम लोग बानर और भाल का शरीर धारण करो, बानर भाल का शरीर धारण करके धरती पे विचरण करो, भगवान का अवतार होने वाला है, आपके हृदय में तो 14 तारीख से पहले ही भगवान का प्राकटव्य हो चुका है। और मैं बताऊं इससे पहले 14, 15 और 16 3 दिन में यहाँ रहा था, ब्राह्मण देवता श्री वरुण जी के घर, यहाँ से कोटेश्वर महादेव गए थे, एक दिन तो आने में ही लग गया था, दूसरे दिन मैंने 2 रात्रि और तीसरे दिन मैं यहाँ से फिर चंद्र बदनी दर्शन करते हुए, और हम लोग बदरी के लिए हम 2 साधु थे जो वो 6 फीट 9 इंच
जो था ये हम दोनों निकल गए बद्रीनाथ के तरफ। और मेरे को पता भी नहीं था कि कहां क्या हो रहा है। आनंद गिरी ने हमको फोन किया, आनंद गिरी ने फोन किया, मेरे को जाने का ही विचार था, वहां भी रहता हूं मैं आनंद गिरी के आश्रम पे, आखिर हैं तो अपने शिष्य काफी, कभी कभी तो दो दो महीना वहां पड़े रहते हैं। तो इन्होंने फोन किया कि गुरुजी फोटो भेज दो। तो मैंने माला वाला पहनी, कुर्ता पहना और एक खड़े खड़े फोटो भेज दिया, खड़ा फोटो भेज दिया, मैं व्हाट्सएप से भेज दिया। इन्होंने फिर फोन करके कहा कि महाराज जी खड़ा फोटो नहीं चाहिए, आपका पद्मासन मुद्रा का फोटो चाहिए। नहीं क्या करोगे पद्मासन मुद्रा का फोटो, अ तो कथा करनी है। नहीं कहाँ करनी है, तो गोमुख चाखा में कथा करनी है। इसको कहते हैं भाग्य और संयोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। अभी यह कथा तो आप लोगों ने सुना, अब आगे की कथा सुनिए। बोल व्यास जी भगवान की जय, बोल राजा रामचंद्र जी महाराज की जय, बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय रघुकुल मनि राउ, अवेद विदित तेहि दशरथ नाउ। अवधपुरी अयोध्या के राजा दशरथ थे, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत यति सारंग पानी, सारंग धनुधारी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। और थोड़ा सा और विचार करने, यहाँ विचार 10 मिनट में अपना व्याख्यान और दूंगा। कौशल्यादि नार प्रिय सबया चरण पुनीत, कौशल्या इत्यादि जो उनकी पत्नियां हैं सब आचरण से पुनीत हैं, पवित्रता के पराकाष्ठा का नाम पुनीत है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, पति के प्रति दृढ़ प्रेम है और भगवान के चरणों में उनकी श्रद्धा है। आगे कथा मिलेगी जहां अंगुलियां उठेंगी। मान लेते हैं कौशल्या पे नहीं उठेगी, सुमित्रा पे नहीं उठेगी, कैकेयी पे तो उठेगी, कथा ही उठा रही। और यहाँ पर तुलसी बाबा ने लिख दिया कि कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत,
जय राम जय राम। कौशल्या नार प्रिय सव आचरण पुनीत पवित्र रागी पराकाष्ठा तीनों ही महारानियां हैं। बोलो तीनों महारानी की जय। लेकिन आगे कह कहीं पे अंगुली उठने वाला है, मैं बता देना चाहता हूं 1999 की घटना, जब मुशर्रफ के जमाने में हमारे कश्मीर के अंदर कारगिल में जब घुसपैठ हुई थी, कारगिल में घुसपैठ हुई थी, तमाम जगह मुशर्रफ वहां के सेनाध्यक्ष थे, परवेज मुशर्रफ, और तमाम जगह पाकिस्तान ने अपनी टेम्परेरी चौकियां स्थापित कर ली थी। वो तो एक याक, एक कश्मीरी का याक खो गया था, याक ढूंढते ढूंढते गया तो उसने उन चौकियों को देखा, पाकिस्तानी सेना को देखा और भारतीय सेना को खबर किया। उसके बाद से कारगिल युद्ध हुआ जिसमें करीब भारत के 1000 सैनिक मारे गए। घुसपैठ थी, राक्षसों का जो राज्य था वो तो लंका था, ये भारत में क्या कर रहे थे? यहां तक कि अयोध्या से लगभग 200 से 250 किलोमीटर मुश्किल से पड़ेगा बक्सर, जो अयोध्या राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस समय भी आता था जहां अहिल्या का उद्धार भगवान ने किया था। यहां तक मारीच और सुबाहु ताड़का ये सब राक्षस यहां तक पहुंचे हुए थे। अर्थात लंका के राज्य का विस्तार करने के लिए दंडक वन पंचवटी महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए भारत में और काफी दूरी तक लंका के राक्षसों ने जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ के जमाने में पाकिस्तानी घुसपैठ हुई थी, उस तरीके की घुसपैठ थी, हो गई थी। और इस बात को कई-कई भलीभांत जानती थी। कई-कई के चरित्र पे मैं और प्रकाश डालना चाहता हूं। कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि तुम्हें मैं बहुत बढ़िया रेशमी साड़ी खादी भंडार की 19-20 हजार रुपए के खरीद करके दूंगा और 4 दिन लेट हो जाए और पति के पास सामर्थ्य भी हो, 4 दिन अगर वो साड़ी ना आए तो पत्नी रोज कहेगी, अरे आप तो साड़ी ला रहे थे, हैं? तुसी तो कहते ही हो, तुम तो कहते ही हो। थोड़ा साधुओं की भाषा बिगड़ जाती है, पंचमेल खिचड़ी हो जाती है। ऐसे हिंदी साहित्य से मैं हूं, लेकिन तमाम भारत घूम करके उसमें पंचमेल खिचड़ी, कभी कभार जब बड़ा खुश फूल सहज और सरल होते हैं तो पंजाबी के शब्द भी मुंह पे आ जाए, पंजाबी भी मैं बोल लेता हूं। तो कहके देश कहके नरेश की पुत्री थी, वहां प्रताप भानु ये कथा में भूल गया था, विश्व प्रसिद्ध एक कहके देशु यह बताना मैं भूल गया था कि ये कहके देश कौन सा है। कहके देश पंजाब को कहते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। अर्थात सत्य केतु भी पंजाब के राजा थे, राजा कहके भी पंजाब के राजा थे, उनकी पुत्री कैकेयी हुई। चलिए कैकेयी के चरित्र पे वर्णन किया जाए। देवासुर संग्राम जब चल रहा था तो देवासुर संग्राम में दशरथ के रथ के पहिए की जो धुरी होती है वो निकल गया था। कैकेयी काफी सुंदर थी, पंजाबी सुंदर होते ही, पंजाब हिमाचल उत्तराखंड जो हिमालयी राज्य हैं सौंदर्य बहुत ज्यादा है, उत्तरी भारत में बड़ा ही सौंदर्य, दक्षिणी भारत का इलाका भी बड़ा ही सुंदर है। अगर उत्तरी भारत भारत का मुकुट है तो दक्षिणी भारत भारत का हृदय। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। तो कैकेयी ने अपनी अंगुली लगा दी थी वहां की चक्का ना निकले। दशरथ जी कहीं युद्ध करने जाती थी, कैकेयी वीरांगना भी थी, तारीफ का मैं फूल बांध रहा हूं और अपने तरफ से नहीं बांध रहा हूं, इनके आधार पे बांध रहा हूं, इन ग्रंथों के आधार के ऊपर।
युद्ध में कई बार उसने क्या कई ने युद्ध भी लड़ा है। युद्ध कला विशारद थी। जब युद्ध विराम लगा और राजा ने देखा कि कैकेयी की अंगुली पहिए लग लग के काफी जो है डैमेज हो गए हैं, तो राजा ने कहा कि कोई दो वर मांग लो। तो साड़ी का एग्जाम्पल मैं दिया हूं, मिला के रखना, टैली करना। कैकेयी ने कहा कि मांग लूंगी, जब जरूरत होगी तो मांग लेगी, मांग लूंगी। और ये कितने वर्ष बीत गए थे, यहां तक कि वो दो वरदान भूल भी गई थी कैकेयी। उन दो वरदानों की बात कैकेयी की दासी जो मंत्रा थी ना, वो कैके देश से आई थी, वो पंजाब से ही आई थी। तो मंथरन से कही होगी कि राजा ने कहा कि दो वरदान मैं तुम्हें दूंगी, तो मंथरा को याद था। लेकिन रानी को यह बात याद ही नहीं था कि दो वरदान राजा ने देने को कहा था। किसी नारी को साड़ी देने को कह दे चार दिन ना आवे तो कितनी कुछ होगी, कि तुसी तो कहते आप, तुम तो कहते ही रहते हो, आप तो कहते ही रहते हैं और कुछ देते भी, कह करके भी मुकर जाते हैं, कहनी और कथनी में बाप के बड़ा अंतर। कैकेयी इस बात को भूल गई थी। दूसरा, मैंने अतिक्रमण की बात कहा कि यह जो है अतिक्रमण था भारत में अतिक्रमण हो रहा था, इस बात का पूरा कैकेयी को पता लग चुका था। कैकेयी के गुप्तचर कैकेयी को बता चुके थे। और किसी का पति, किसी का पुत्र राष्ट्र से बड़ा नहीं होता। यहां तक कि कौसल्या मैया के पुत्र राम की सेवा कैकेयी ही करती थी। सारी व्यवस्था का, राम जी के सारी व्यवस्था का ध्यान कैकेयी रखती थी। इतना राम से उनका प्रेम था। कई तरह की आवाज माइक क्यों पकड़ रही है? इतना राम से उनका प्रेम था। वह जानती थी कैकेयी की राम पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं और हमारे राज्य में अतिक्रमण चालू हो गया है। अगर मैं राम को वन भेजती हूं तो सारे निशाचरों का नाश हो जाएगा। और फिर राम 14 वर्ष के लिए ही क्यों मांगी? 14 वर्ष के लिए क्यों? जीवन भर के लिए मांग लेती, दे हूं एक बार भरता है टीका, एक ही भर दो कि भर टिक्का टीका हो जाए, आजीवन वह राजा रहे। लेकिन तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी, ये मांगने की क्या जरूरत है? अर्थात आगे कथा में कैकेयी के ऊपर जो अंगुली उठेगी उस पर अपमान की भावना मन में नहीं जागृत होनी चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा के अंदर बहुत गलानी है दशरथ जी को कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। अपने सुख दुख को उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से सुनाया है। अपने पुरोहित भी हैं और गुरु भी हैं। कोई भी सुख दुख हो तो अपने पुरोहित पुरोहित आए, इत पुरोहित आए, ऐसा ही है ना पंडित जी? जो पूरा आपका हित चाहे वो पुरोहित, गुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वो गुरु वशिष्ठ जी को इन्होंने सुनाया है। वशिष्ठ जी ने कहा है कि धीरज धरो, कोई चिंता की बात नहीं, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। लेकिन श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि ऋषि विभांडक के पुत्र हैं। फिर कोलाहल होना शुरू हो गया, कर्ण नंद ही भवन संभालना, फिर कोलाहल शुरू हो गया।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबसे बड़ा राष्ट्र होता है इसलिए बोलिए भारत माता की जय। अब शांत हो जाइए तो शांत रंतर लाइन लेंथ बिगड़ जाता है दो मिनट फिर 5:30 बजे के बाद उठ बैठ शुरू हो जाती है। मेरे पास बहुत थोड़ी समय है मैं जरा एक बार टाइम भी देख लो बहुत समय है बहुत कथा धारा प्रवाह चला है और आज मैं धीरे धीरे ही बोलता हूँ तबीयत भी कुछ ढीली आज हो गई थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषि विभांडक के पुत्र थे ऋषि श्रृंग बोले कि ऋषि श्रृंग जैसा त्यागी मनस्वी ज्ञानी संत अगर यहाँ आवे ब्रह्मचारी संत आवे तो पुत्रष्टि यज्ञ हो। अब जो है ऋषि श्रृंग को बुलाना है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। लेकिन ऋषि श्रृंग की कथा श्रवण करने योग्य है ऋषि श्रृंग की कथा भगवान की कथा है। विभांडक जब ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ तो जन्म के बाद से मां से हटा ले गए थे ऋषि श्रृंग विभांडक ऋषि ले गए थे बच्चे को जंगल में और अपने आश्रम पे पाले थे। पालन पोषण केवल विभांडक ऋषि ने किया था ऋषि श्रृंग के मां ने उनका पालन पोषण नहीं किया मां का पैपान बक्षपान नहीं किए थे। इसलिए कि हमारा बेटा ज्यादा ज्ञानवान हो ब्रह्मचारी हो। यहां तक था कि नारी को देखा ही नहीं था ऋषि श्रृंग ने अज्ञान का अज्ञान से जो त्याग होता है वह ज्ञान होने पर वह त्याग टिकता नहीं वह त्याग टिकता नहीं। नारी क्या होती है इसका ज्ञान था ही नहीं ऋषि श्रृंग को। इधर अंग देश के राजा रोमपाद थे थोड़ा सा इस कथा को मैं आपको बता देना चाहता हूं। दशरथ का त्याग दशरथ को निःसंतान बनाने में बड़ा सहयोगी था। अब दशरथ का त्याग क्या है दशरथ का त्याग यह है कि सुमित्रा के कोख से एक बेटी का जन्म हुआ था। बड़ी गूढ़ बातें हैं ये जो लोग दिन रात किताबों में डूबे रहते हैं वही लोग इसका शोध करते हैं हम भी तो 3-4 साल से नहीं डूबे हैं। तमाम ग्रंथों में बात मिलती है। उस पुत्री का नाम था शांता दोनों मित्र थे रोमपाद। रोमपाद कहां के राजा थे अंग देश के। थोड़ी सी त्रुटि भी अगर कहीं कोई बात छूट जाती है तो मैं बाद में बता देता हूं। अंग देश कौन सा है अंग देश कौन सा है जानते हैं आप लोग शायद मैं अंग देश में बैठ करके ही कथा कह रहा हूं और आप अंग देश में बैठ करके ही कथा सुन रहे हैं। ये जो कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग का जो एरिया है अंग देश के राजा दुर्योधन ने अंग देश के ये राज्य पे कर्ण को अभिशप्त किया था। कर्ण प्रयाग में वो कर्ण का मंदिर भी है अलकनंदा के किनारे। हो सकता है यह एरिया जहां हम बैठे हैं अंग देश में ना आता हो लेकिन यह उत्तराखंड का वो एरिया अंग देश है। इतनी बड़ी ज्योग्राफी की नॉलेज हम नहीं रखते लेकिन जहां तक मेरा जानकारी है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। अंग देश के राजा रोमपाद हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब लाइन लेंथ हमारा बिगड़ता है ना तो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। तो अंग देश इसी को कहते हैं जहां हम बैठे हुए हैं।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो रोमपाद दशरथ के मित्र थे, दोनों मित्र कहीं मिले, शांता की कथा हो रही है, दशरथ की बेटी शांता की। तो दोनों, कोई भी दो मित्र मिलते हैं या दो सहेलियां मिलती हैं तो आपस में दुख सुख तो होता ही है। कह रहे सखी ये बताओ कि तुम्हारा बेटा कैसा है, बेटी कैसी है, बहू सेवा करती है कि नहीं, खाना टाइम से बना के देती है कि नहीं। अब दोनों मित्र आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों ही निसंतानी है, न रोमपाद को कोई पुत्र पुत्री है। केवल पुत्र ही संतान नहीं होता, पुत्री भी संतान होती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, जनक जी ने कहा है। पुत्र और पुत्री में कभी भेद रखना मत। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बेटियां ही आजकल बेटियों को मार रही हैं। कहां मैं इंगित कर रहा हूं समझ लेना। दोनों मित्र राजा रोमपाद और राजा दशरथ जी आपस में बात कर रहे हैं। अब वे बात करते करते संतान का वियोग राजा रोमपाद को ऐसा हो गया कि रोमपाद फूका फार के रोने लगे। दशरथ जी ने उनके नेत्रों के जल को पोंछा है, बोला है कि मित्र क्या चिंता करते हो, हमने तो नाइल लगा करके शादी की, एक लाइन से तीन तीन शादियां कर ली, हमें कोई संतान नहीं है। अब तक मैं नहीं रो रहा हूं, अब तुम रो रहे हो। वीरों का काम रोना नहीं होता है। चलो जो हमारी पहली संतान होगी वो मैं तुम्हें ही दे दूंगा, रोना बंद करो, रोना बंद करो। तो सुमित्रा जी के गर्भ से एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था शांता। उन्होंने अपने पुत्री को राजा रोमपाद को दे दिया। अब अंग देश में अकाल पड़ गया, नहीं वो पुत्री के वजह से नहीं अकाल पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक कथा में आगे बढ़ रहे हैं, क्रमशः आगे बढ़े। एक बार अंग देश में अर्थात उत्तराखंड में सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं होती थी। एक कर्ण प्रयाग का एरिया अंग देश है, मैंने इसे भी गिन लिया है अंग देश में। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गई, बारिश कैसे हो। ऋषि तो ब्राह्मण पुरोहितों ने बताया कि ऋषि श्रृंग को उत्तराखंड बुलाया जाए, अंग देश बुलाया जाए, ऋषि श्रृंग पधारे तो बारिश होगी। अब विभांडक ऋषि के डर से ऋषि सिंह को बुलाने कोई मंत्री कोई सेनापति कोई जाता नहीं था। विभांडक ऋषि के श्राप के डर से तपबल भी प्रसराबरी आ रहा। ब्राह्मण थे, संत थे, तपस्वी थे, मनस्वी थे, कोई जाता नहीं था। तो गणिकाओं को, गणिका तो समझ रहे हैं, अप्सराओं को, अब इससे आगे की शब्द बोलना हमारे मुख से ठीक नहीं लगता है, इनको भेजा गया। अप्सराएं गई, कुछ नृत्य करने वाली महिलाएं गईं, सौंदर्य को बनाया। वो तो उन्हें स्त्री का ज्ञान ही नहीं था, नारी का ज्ञान ही नहीं था पहले तो। और विभांडक ऋषि आश्रम छोड़ के कहीं गए हुए थे, राजा के गुप्तचर लगे हुए थे, ऋषि की रखवाली करो, ये कहां किधर जा रहे हैं, किसी काम से आश्रम छोड़ के कहीं चले गए। उसी समय अप्सराएं गणिकाएं पहुंची और अपने हाव भाव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिस तरीके से शंकर जी के ध्यान भंग करने के लिए कामदेव पहुंचा था, उसी तरीके से कामनिया उनको काम के जाल फांस में फांसना शुरू कर दी। ऋषि श्रृंग काम विह्वल हो गए और उनके आसक्ति में आकर के अंग देश आए और अंग देश में बड़ा बरसात हुआ, क्योंकि विरक्त ऋषि हैं, तपस्वी ऋषि, तप कहीं जाता नहीं। और वासनाएं अज्ञान से जो त्याग हो वो टिकता नहीं, अब ज्ञान हुआ। और जो राजा की पुत्री थी शांता, शांता का विवाह राजा ने ऋषि श्रृंग से कर दिया। बोले ऋषि श्रृंग जी महाराज की जय। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बलावा पुत्र काम सुभ यज्ञ करावा।
श्रृंगी ऋषि अयोध्या में बुलाए गए, जहां वशिष्ठ जैसा ऋतुवज हो, आचार्य हो, जग के आतार्य श्रृंगी हो, तमाम ऋषि महर्षि यज्ञ कर रहे हैं, तमाम ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वेद मंत्र उच्चारण किया जा रहा है, और त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण, त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण जिस देवता का आवाहन मंत्र बोले, मंत्र पूरा होने से पहले चाहे सूक्ष्म रूप में ही क्यों ना हो, यज्ञ मंडप के अंदर उस देवता को उपस्थित होना पड़ता है। बजा दो ताली एक बार इस बात के ऊपर, ताली बजाने के लिए भी कहना पड़ता है। और देखो खाली खाली नहीं चलेगा, हमारा हाल वही कवियों वाला ही है, खाली खाली कुछ नहीं चलता बाबा। ये ताली जब बजाते हैं ना तो इससे एनर्जी मिलती है। अब इतना एनर्जी मत दो कि 5:30 का टाइम ही 6:30 हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी आख्यान है। बोलिए शंकर भगवान की ये। सभी देवता प्रकट होकर के पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण वशिष्ठ जी, ऋषि सिंह जावाली, वशिष्ठ के पुत्र, अबे जिस देवता का आवाहन कर रहे हैं, मंत्र पूर्ण होने से पहले यज्ञ मंडप में वह देवता उपस्थित होकर के अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा है। अंत में अग्निदेव पायस चरु लेकर के प्रकट हुए और राजा को दे दिया। बहुत जल्दी यज्ञ हो गया, मैं कहा ना कि वहां यज्ञ हो रहा है, यहां भी करेंगे। चरु दे दिया। राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरु जी मैं अभी से क्या करूं, कैसे क्या करूं? तो राजा ने कहा, ध्यान देने योग्य बात है कि इस चरु पे, इस पायस पे, इस प्रसाद पे पहला अधिकार कौशल्या जी का है, क्योंकि पहला अधिकार कोई भी प्रसाद मिले तो पहला अधिकार धर्म पत्नी का होता है, सुमित्रा और कैकेयी का अधिकार नहीं है। क्योंकि किसी पुरुष का जो पहली पत्नी होती है वही धर्म पत्नी कहलाती है। उसके बाद अगर पुरुष दूसरा शादी कर लेता है वो धर्म पत्नी नहीं बोली जाती, उसे भोग पत्नी बोलते हैं शास्त्रों में। अब दशरथ जी ने क्या किया, उस चरु के दो भाग किए, उस पायस के दो भाग, उस खीर के दो भाग किए, आधा कौशल्या के हाथ पे दिया, और जो आधा बचा उसका दो भाग किया, आधा सुमित्रा के हाथ पे दिया और आधा कैकेयी के हाथ पे दिया। रामायण में तो नहीं मिलता, रामचरितमानस में नहीं मिलता, रामायण में क्यों नहीं मिलता है, आनंद रामायण में मिलता है। चलो हम तो इस पर यकीन नहीं करते, कैकेयी के दिव्य चरित्र का मैंने थोड़ी देर व्याख्यान दिया है, कैकेयी के दिव्य चरित्र के ऊपर। कैकेयी लड़ने लगी, उनको पहले दे दिए हमको नहीं दिए, क्या हमें बाजार से खरीद करके लाए हो, हमें क्या समझ रखा है तू? कैकेयी को अपने सौंदर्य का जला स्वाभिमान था, अभिमान था। राजा को बड़ा दुख हुआ, अर्थात जो कर्कश वाणी से अपने पति को कष्ट दे उसे कैकेयी कहते हैं। इस पर भी ताली बजा लो ना एक बार। जो अपने कर्कश वाणी से कैकेयी पति को कष्ट दे उसे कैकेयी कहते हैं। अब तो कैकेयी अभी हाथ में ही लिए हुए है, शंकर जी की ऐसी महिमा, कुछ आनंद रामायण में आख्यान मिलता है कि शंकर जी ही चील का भेष धारण किए और कैकेयी के हाथ से उस हबी को उठाया और लेके उड़ गए। अंजन पर्वत पर माता अंजनी तप कर रही थी, ध्यान मुद्रा में थी, आंखें बंद थी, हाथ भगवान के सामने ऐसे किए हुए थी, देव योग से उस चील ने वहीं प्रसाद रख दिया। आंख जब खुला तो उसने उस प्रसाद को देखा, प्रसाद से ऐसी खुशबू आ रही थी, ऐसा लवण था कि वो समझी कि शायद शिव जी ने ही प्रसाद हमें दे दिया है।
उस प्रसाद का भक्षण माता अंजनी ने कर लिया। माता अंजनी सगर्भा हुई। राम कथा में राम के प्रागटव्य से पहले हनुमान का ही प्रागटव्य है। कुछ तो विद्वान नहीं कराते, हमारे जैसे लोग तो कराते हैं। जो पुराने बूढ़े हैं वो सभी कराते हैं। शुभ नक्षत्र शुभ दिन आया, चैत का महीना, मंगलवार का दिन, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, ठीक सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हो जाए दो कड़ी हनुमान जी पे भजन। बोलिए भगवान आने को कहा था, आप तो चार हाथ लेके आए हैं प्रभु। चार हाथ वाला कोई बालक होता है क्या? तो भगवान कहने लगे कि मैया अब मैं क्या करूं, बताओ, आप ही बताओ। तो माता कहने लगी कि मुझे शिशु रूप में आओ, ये अपने दोनों हाथ हटाओ और बालक रूप में आओ। तो भगवान बालक बन गए, छोटे शिशु रूप में आ गए। अब मैया कहने लगी प्रभु अब बालक जब होता है तो बालक रोता भी है, अब भगवान को रोना नहीं आ रहा है। गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना। भगवान ने रोने की ठानी कि अरे अब रोना भी पड़ेगा। अरे भगवान रोने लगे और ये खुशियां जब बाबा दशरथ के पास पहुंची तो बाबा दशरथ भी खूब झूम झूम के नाचने लगे कि मेरे घर लाला आया है। और गोपियां कहने लगी अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। गोपियां राजा दशरथ जी के महल में पहुंची, दास दासियां राजा दशरथ जी के महल में पहुंच के कहने लगे क्या कि आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, वरुण कलश रखवा दो बंधवा दो बंदर बार। वरुण कलश रखवा दो बंधवा दो बंदर बार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बनवा दो बन।
राजा दशरथ ने सजवा दी है लड़ियों से मणियों से और फुलझड़ियों से पूरी अयोध्या नगरी सजी है। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से स्थिति भी यही होती है। कोई भी दाम्पत्य जीवन जीने के बाद से उसके यहाँ अगर पुत्र पुत्री न हो तो उसके मन में इतनी उदासी बनी रहती है कि वो अपना श्रृंगार करना उदासीन बन के रह जाता। दशरथ जी उदासीन बन गए थे। आज उनके भक्तों ने दशरथ जी को श्रृंगार कराया है, सरयू गंगा में स्नान कराई है, जटा को बिभराया गया है। सेवकों ने कहा है ये महाराज आज तो श्रृंगार करना ही पड़ेगा। दशरथ जी ने भी मना नहीं किया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मा नंद समाना। उन्हें तो मालूम हो रहा है कि ब्रह्म ही मिला है और साक्षात परमेश्वर अवतार ही लिए। पट्टे पर बैठा करके दशरथ जी का सेवकों ने श्रृंगार किया है और जात कर्म संस्कार गुरु विशिष्ट गृह गयों हकारा दुजन सहित या यहूं लिप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ आदमी भेजा गया। गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों सहित आए हैं, वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है। श्रृंगार करके वशिष्ठ के साथ महल में गए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो अनामिका अंगुली से उसे शहद चटाने की एक व्यवस्था परंपरा है हमारी और इसका बहुत बड़ा रीजन है। सोने के कटोरे में शहद लिया गया है और शहद लेके बालक को चटाने जा रहे हैं। लेकिन इतनी भीड़ है
कि सब सेवक सिपाही चिल्ला रहे हैं, दो ही मिनट के लिए शांति बरतिएगा। बहुत तेज स्पीड में चल रहा हूं, दुरंतो एक्सप्रेस राजधानी से तेज गति से चलती है, बुलेट ट्रेन का भी स्पीड लगा दूंगा मैं। थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सिपाही बोलते जा रहे हैं कि हटो हटो हटो, रास्ता खाली करो, महाराज पधार रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं। दशरथ जी का भाव देखिए, भगवान उसके घर सूर्य वंश का वर्णन मैं बड़ा विधिवत नहीं कर सका, लेकिन बहुत ज्यादा सहनशीलता, बहुत ज्यादा ध्यान, बहुत ज्यादा दया, बहुत ज्यादा तप, बहुत ज्यादा सौहार्द, बहुत ज्यादा सहनशीलता जिसके अंदर होती है उसके यहाँ दिव्य पुत्र का जन्म होता है। दशरथ जी ने मना किया, हाँ 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 ऐसा मत करो, इन्हीं सभी लोगों के आशीर्वाद से तो मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, ये बुरा मान जाएंगे। अब लेकिन दशरथ जी को इतना जल्दी है कि कब मैं पुत्र को देख लूं, मेरे घर भगवान आए हैं, लेकिन फिर भी बोल नहीं रहे। इतने में वशिष्ठ जी ने आए हैं। वशिष्ठ जी कहें, ए राजा आ जाओ, तुम मेरे पीछे आओ, ऐसे तुम दर्शन नहीं कर पाओगे। पीछे पीछे आगे आगे वशिष्ठ जी, पीछे पीछे राजा। वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया है, अनामिका अंगुली भोर करके बालक के मुंह में चुप चटाया है, तब तक खबर आ गया है। कह कह सुता सुमित्रा दो, कह कही को भी पुत्र हुआ है। कौन? उसका नाम क्या होगा? भरत जी। बोले भरत जी महाराज की जय। सुमित्रा को दो पुत्र हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यह चार चार पुत्र आ गए और अयोध्या में बधावा बज रहा है। अब वहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है, पुरुष कोई जा नहीं रहा है, राजमहल में सिपाही रोक रखे हैं, केवल माताएं ही जा सकती हैं। पुरुषों ने आकर के राजा के पास कंप्लेन किया है कि हमारा महाराज उत्पन्न हुआ है, हम लोग भी महाराज को दर्शन करना चाहते हैं, अपने राजा का दर्शन करें। राजा ने कौशल्या मैया को हुक्म दिया है कि हे राजन, एक रानी, तुम आंगन में बालक को गोद में लेकर के बैठ जाओ कि सभी पब्लिक दर्शन कर सके। कौशल्या मैया आंगन में राम जी को लेकर के बैठी है, तीनों रानियां ही अपने अपने पुत्रों को लेकर के आंगन में बैठी है और आम पब्लिक होती है तो ऐसे ही होता है। ये हम तो पहली बार देख रहे हैं। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। Hey!
जन्मलीन राम जी ना, जन्मलीन राम जी ना,
अभी जो है अभी तो भगवान श्री राम का ही जन्म उत्सव हो रहा है, अभी ना सिर्फ भगवान राम का ही जन्म हुआ है, अभी तो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म होगा क्योंकि वो बच्चे भी तैयार हैं, तो इसके बाद उनका भी जन्म होगा, आप खूब सुंदर उनके जन्मोत्सव में भी नाचेंगे। आइए स्वामी जी महाराज श्री आगे की कथा, इस कथा को सिर्फ भगवान राम का भी बच्चे तैयार हैं। स्वामी जी आप अपने मुंह से एक बार पुनः पुनः महाराज जी स्वामी जी एक बार पुनः सब बच्चे तैयार हो रखे हैं। आप लोगों ने सुना ही ने लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का प्रकट में बतलाया, लेकिन नमो नमस्ते पुनश्चे हुई अभी नमो नमस्ते दोबारा भी इसको कह मैं देता हूँ कि उत्सव मनाया ही जा रहा था, वशिष्ठ जी की दशा देखिए, थोड़ा सा पीछे से लेना पड़ेगा। वशिष्ठ जी की दशा ये है कि राजा कह रहे हैं कि हे गुरुदेव ये मधुप्राशन संस्कार है, वेद मंत्र तो बोलिए। वशिष्ठ जी कह रहे हैं वेद मंत्र कोई याद हो तब तो बोलू मैं। प्रिय हैं, देखो बड़े शांत स्वभाव के हैं, भगवान राम भी ऐसे शांत स्वभाव के थे। आइए और तीन भैया और हैं, वो तीनों भी हमारे बीच में आ रहे हैं, आइए उनका भी स्वागत करेंगे ऐसे ही जैसे भगवान श्री राम का हमने स्वागत किया नाचते गाते। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की, बोलो लक्ष्मण भैया की, बोलो भरत भैया की, बोलो शत्रुघ्न भैया की। दोनों बड़के भगवान आयो छा, दोनों बड़के भगवान आयो छा, दोनों बड़के भगवान आयो छा, दोनों बड़के भगवान आयो छा। ओ दोनों बड़के भगवान
ਲਬਦੇ ਬੁਰਸ਼ੋਈ ਦਾਵੇ ਅਗਿਆਨ ਹੀਤ ਕਿਤ ਮੋਹ ਮਦਾਨ ਦੇਕਾਰਾ ਨਾਸਨ ਵਿਦਾ ਹੀਤ ਦੋ ਦੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕਾ ਦੇਖ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਭਾਗਯੋ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਖੇਤਰ ਮੇ ਸੰਤੋਂ ਕੇ ਪਦਾਰਪਣ ਹੋਣੇ ਸੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕੀ ਦਿਵਯ ਕਥਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣੇ ਸੇ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਤੁਰਥ ਦਿਵਸ ਮੇ भगवान राम की सुंदर प्राकृति की कथा हम सभी लोगों को सुनाई। मैं पहले भी कह चुका हूँ ये भगवान अयोध्या से दो तरह की गंगाएं लाए हैं, एक तो राम रूपी गंगा और एक जिस दिन से कथा हुई उस दिन वर्षा रूपी गंगा। तो वर्षा भी निरंतर हो रही है और कथा में आनंद भी खूब आ रहा है। आज चतुर्दिवस की कथा संपन्न हुई, हम सभी लोगों ने सुंदर कथा का श्रवण किया। अब इस कथा के 5 दिन बाकी है, राम कथा है ना 9 दिन की, 4 दिन तो संपन्न हो गए हैं, 5 दिन बाकी हैं। आपने जो है इसी तरह से सहयोग करना है। सभी गांव के लगभग लोग यहां पर आए हुए हैं, कुछ गांव के लोग नहीं हैं, उन गांव के लोगों से तक भी अपना समाचार पहुंचाएं और उनको भी जोड़ने का प्रयास करें। जैसे कि पहले भी मैं कह चुका हूँ, यहाँ पर पाठ पूजा के अलावा, कथा श्रवण के अलावा प्रतिदिन हवन का यज्ञ का कार्यक्रम भी होता है। तो अपने घर से जौ तिल घी चावल जो हो सके वो अवश्य लाएं। जिनके घर में दूध और दही की व्यवस्था हो वो लोग दूध दही अवश्य लाएं। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा, कल सुबह पर रात्रि में यहाँ पर भजन संध्या का बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ था, लेकिन भजन संध्या थोड़ा देर तक हो गई तो हम नहीं चाहते कि महाराज श्री को या संतों को किसी प्रकार का कोई व्यवधान यहाँ पर हो। आज से भजन संध्या का कार्यक्रम हम रात्रि को न करके अभी जो लोग करना चाहें इस कथा के बाद कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा रात्रि में कोई भजन संध्या नहीं होगी अभी अभी। और सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को जो है इस कार्यक्रम में जोड़ने की कृपा करेंगे। 23 तारीख को इस राम कथा का विश्राम दिवस होगा और उस दिन विशाल भंडारे का आयोजन है। तो जितने भी आपके नाते रिश्तेदार जो भी लोग हैं सबको बुलाने का प्रयास करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जून मास का समय है, छुट्टियों का समय है, माताएं बहनें तो बहुत दिख रही लेकिन उनके बच्चे नहीं दिख रहे हैं। कोशिश करें अपने बच्चों को इस स्थान से जोड़ने की। भगवान राम लक्ष्मी नारायण के मंदिर के विकास के लिए और उत्थान के लिए कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी लोगों से विनती रहेगी आप लोग सभी लोगों को जोड़ने का अवश्य प्रयास करेंगे। जब प्रथम दिवस से ही इस कथा के लिए सभी लोग खुलकर दान दे रहे हैं। आज चतुर्थ दिवस में जिन लोगों ने दान दिया है मैं उन लोगों का नाम लेना चाहता हूं। आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आज की चतुर्थ दिवस की कथा में जिन लोगों ने श्री राम जी के नाम से और भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम से जो दान दिया उन लोगों का मैं नाम लेना चाहता हूँ। आज के दिवस में प्रथम दान दिया है श्री रोशन लाल डंगवाल ग्राम अमिंडा 221 रुपए। जोरदार तालियों से आप इन लोगों का स्वागत करेंगे। गुप्त दान के रूप में छोटा से 501 रुपए श्री विनोद प्रसाद सेमवाल पुत्र श्री मुनिंद्र दस सेमवाल ग्राम चाका पिछवाड़ा 1100 रुपए। सुधा देवी पत्नी से केशवानंद बडोनी ग्राम फैगुल 551 रुपए। प्रवीण नोटियाल देहरादून टिहरी विस्थापित कॉलोनी इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष में 1100 रुपए इस कथा के लिए दिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी की विवाह की वर्षगांठ की। मुकेश सेमवाल पुत्र श्री सत्य प्रसाद सेमवाल ग्राम चाका 501 रुपए। जोरदार तालियों से आप इन दानदाताओं का स्वागत करेंगे। मोहनलाल सेमवाल ग्राम चाका हाल निवासी देहरादून 5001 रुपए इन्होंने कथा के लिए दिए हैं। सोना देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय धर्मानंद सेमवाल ग्राम चाका पिछवाड़ा 551 रुपए। मईधर प्रसाद तिवाड़ी ग्राम पंचूर से 500 रुपए। प्रकाश चंद्र सेमवाल ग्राम चाका 1100 रुपए। मंगल सिंह डोटियाल ग्राम सभा डोब 501 रुपए। वाचस्पति सेमवाल ग्राम स्यूटा 200 रुपए। अमन रावत पुत्र श्री रघुवीर सिंह रावत ग्राम सभा डोब वर्तमान में गौमुख में रहते हैं 211 रुपए। अब तालियों में इन दानदाताओं के लिए कोई कमी न छोड़े। अतुल बोगुणा ग्राम सभा जाम देवी गौमुख में रहते हैं 551 रुपए।
राम स्वरूप टंगवाल ग्राम सभा अमेंडा 251 रुपए, गणेश पंत पुत्र स्वर्गीय श्री किशोर लाल ग्राम सभा थानकोट 251 रुपए, ऋषि राम पंत ग्राम थानकोट 501 रुपए, सुंदर लाल पंत ग्राम सभा थानकोट 251 रुपए, सुमेर चंद्र डोटियाल ग्राम सभा डोब 500 रुपए, जोत सिंह रावत डोब ये अमेरिका में रहते हैं, जोत सिंह जी काफी धार्मिक व्यक्ति हैं, लक्ष्मी नारायण के ऊपर बड़ी श्रद्धा है, उन तक अगर ये समाचार पहुंचा होगा तो उन्होंने भी इस कथा के लिए 5000 रुपए दिए हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। चंद्रमणि पांडे ग्राम डोब 521 रुपए, गणेश प्रसाद भट्ट शास्त्री जी कथा व्यास भी हैं ग्राम सूटा से, इन्होंने भी इस कथा के लिए 1100 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपल्लव जोशी जाम कुंड भरपूर दिल्ली से, इन्होंने इस कथा के लिए 4200 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देवेश्वर प्रसाद दोगुणा ग्राम सभा जामटे 111 रुपए, मूर्तिराम पंत ग्राम थानकोट 251 रुपए, श्री विनोद सेमवाल पुत्र स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद सेमवाल ग्राम सभा सिवटा 500 रुपए, मुरारी लाल सेमवाल ग्राम चाका 500 रुपए, बीना देवी पत्नी श्री किशोरी लाल डंगवाल ग्राम अमिल्डा जो वर्तमान में पटियाला में रहते हैं 1100 रुपए, कलम सिंह सजवान ग्राम डोब 251 रुपए, श्री रघुवीर सिंह सजवान ग्राम डोब 251 रुपए, श्री जगमोहन सिंह रावत ग्राम डोब वर्तमान में फरीदाबाद में रहते हैं 1100 रुपए, श्री सूरवी सिंह रावत ग्राम सभा डोब 551 रुपए, श्री सुंदरलाल भट्ट ग्राम चाका पिछवाड़ा 511 रुपए, श्री शोभा राम पुत्र श्री मुनिंद्र दत्त सेमवाल वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं 1100 रुपए, श्रीमती स्वर्गीय रिखली देवी पत्नी गणपति घंडियाल के नाम से ग्राम डोब से इन्होंने दिए हैं 251 रुपए, श्री अरविंद बोगुणा पुत्र स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद बोगुणा ग्राम जामटे 101 रुपए, श्री अब्बा सिंह नेगी ग्राम स्यूटा 251 रुपए, श्री कलम सिंह नेगी ग्राम स्यूटा 251 रुपए, श्री बिजमोहन भट्ट ग्राम स्यूटा 201 रुपए, श्री गौरव नेगी पुत्र स्वर्गीय श्री गुलाब सिंह नेगी ग्राम सभा स्यूटा 251 रुपए, जोरदार तालियों से आप इन दानदाताओं का स्वागत करेंगे। श्री मनोज सेमवाल पुत्र श्री कुशलानंद सेमवाल ग्राम सभा चाका पिछवाड़ा 1100 रुपए, श्री गजेंद्र सेमवाल पुत्र से श्री प्रसाद सेमवाल ग्राम चाका पिछवाड़ा 501 रुपए, श्री हरीश सेमवाल पुत्र स्वर्गीय श्री थेबराम सेमवाल ग्राम चाका पिछवाड़ा 501 रुपए, श्री जगत सिंह रावत सेमला से गौमुख में रहते हैं 551 रुपए, इन दानदाताओं के लिए आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और कुछ दान सामग्री देहरादून में रहने वाले श्री रमेश सेमवाल जी के पास प्राप्त हुई है, मैं उन दानदाताओं का भी नाम लेना चाहता हूं, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री ललित मोहन सेमवाल ठाकुर चौक 201 रुपए, कुमारी वैष्णवी खंगरियाल कुंज बिहार ये सब देहरादून से हैं 501 रुपए, एस पी पटेल देहरादून पर्यटन विभाग से हैं 1100 रुपए, प्रीतम सिंह रावत देहरादून पर्यटन विभाग से हैं 201 रुपए, वीरेंद्र पोखरियाल देहरादून ये भी पर्यटन विभाग से हैं 105 रुपए, संजय कुमार देहरादून दून पर्यटन विभाग से 201 रुपए, सोनिया देहरादून पर्यटन विभाग से 31 रुपए, पुष्कर सिंह नेगी पर्यटन विभाग से 100 रुपए, पवनी पंत पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल ये भी देहरादून में रहती हैं 501 रुपए, गजेंद्र चौहान देहरादून पर्यटन विभाग से 151 रुपए, विमल कुमार देहरादून पर्यटन विभाग से 251 रुपए, धर्म सिंह सजवान देहरादून पर्यटन विभाग से 251 रुपए, धर्म गंगलानी देहरादून पर्यटन विभाग से 500 रुपए, उदित सिंह देहरादून पर्यटन विभाग से 500 रुपए, श्री किशोरी लाल सेमवाल देहरादून इनको गांव में किसी के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस कथा के लिए 5100 रुपए दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से आप इन दानदाताओं का स्वागत करेंगे। देव सिंह सहलाल देहरादून पर्यटन विभाग से 201 रुपए, सतीश बागुणा देहरादून पर्यटन विभाग से 51 रुपए, इधर उदय सिंह देहरादून पर्यटन विभाग से 2500 रुपए, दिनेश प्रसाद सेमवाल पुत्र स्वर्गीय राम प्रसाद सेमवाल देहरादून 501 रुपए, रमेश सेमवाल पुत्र राम प्रसाद सेमवाल देहरादून से 2100 रुपए, लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल
मुख्तियारों के नाम से जानते हैं इनको, ये नई दिल्ली में रहते हैं, 1100 रुपए। अमित सेमवाल, ये भी मुख्तियार परिवार के नाम से हैं, देहरादून में रहते हैं, 1100 रुपए। इंद्रमणि सेमवाल देहरादून से 1100 रुपए। बद्री प्रसाद सेमवाल देहरादून से 2100 रुपए। मुनेन्द्र दत्त सेमवाल देहरादून से 2100 रुपए। सुमित सेमवाल पुत्र सोहन लाल सेमवाल देहरादून से 1100 रुपए। पारस सेमवाल पुत्र किशोर लाल देहरादून से 1100 रुपए। कर्नल प्रदीप सेमवाल देहरादून से 2100 रुपए। नविता उनियाल पुत्री बद्री प्रसाद सेमवाल 501 रुपए। निधि सेमवाल पुत्री बद्री प्रसाद सेमवाल 501 रुपए। रश्मि बडोनी पुत्री सोहन लाल सेमवाल 500 रुपए। मोहन लाल सेमवाल पिछवाड़ा 501 रुपए। ये समस्त धनराशि श्री रमेश प्रसाद सेमवाल जी देहरादून में इन्होंने इस कथा के लिए इकट्ठी की है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं इनका। और भी जो दानदाता जिन्होंने यहाँ पर रसीद कटवाई है दान के लिए, श्री उपेंद्र दत्त सेमवाल ग्राम चाका पिछवाड़ा 501 रुपए। परशुराम सेमवाल चाका पिछवाड़ा 1100 रुपए। श्री पूर्णानंद सेमवाल छोटा चाका पिछवाड़ा 1100 रुपए। कुसुम पत्नी गिरी सेमवाल टी लोड़तर वर्तमान दिल्ली में रहते हैं 500 रुपए। मातेश्वरी सेमवाल पत्नी स्वर्गीय प्यारेलाल सेमवाल 1100 रुपए। इन सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने अपने मन से जो इस कार्यक्रम के लिए दान दिया है, परमात्मा आपकी इस दान की राशि को इससे 10 गुना भगवान को आपको प्राप्त कराए। इसके अलावा इसी क्षेत्र के श्री नौ हलजेंड गांव के श्री डी डी पंत जी, इन्होंने भी 500 रुपए इस कथा के लिए दिए हैं। जोरदार तालियों से इन सभी दानदाताओं का स्वागत है और सम्मान करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना आपसे हाथ जोड़कर और पैर पकड़कर रहेगी कि आप सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, और हो सके तो अपने बाल बच्चा जो भी घर परिवार का छन विदेश मजी भी रहना हो, देश विदेश में कल बोलेंगे जो भी देश विदेश में कहीं भी रहना हो, क्योंकि ये कार्यक्रम जो उनका मैं यहाँ का खाता रखेगी कि आप लोग बड़ा बच्चों तक घर बुले सकन, तो अवश्य बड़ा बच्चों तक ये कार्यक्रम मजी 23 तारीख तक जब तक ये कार्यक्रम चलू, 23 तारीख को भंडार हो तब तक अवश्य बुला रहा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब भगवान की आरती, हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में श्री वरुण सेमवाल जी खड़े होकर आरती है और बाकी लोग बैठकर आरती का दर्शन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। 2 मिनट। हे प्रभु राम तेरी आरती गाऊं, हे प्रभु राम तेरी आरती।